ओके गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे सीए इंटरमीडिएट ग्रुप टू में, एसपीसी में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ठंड का मौसम, मैं समझ रहा हूँ आपकी हालत टाइट है। अरे ऑल ओके? नींद आ रही है? नींद आ रही है? ठंड बज रही है? सब कुछ ठीक है? कहीं ऐसा तो नहीं मैं पढ़ाते जाऊँगा आप सोते जाओगे? इधर से एकदम लास्ट बेंचेस, सब ठीक है? पढ़ना है कि नहीं? कितने लोगों ने सीए इंटर ग्रुप वन का एग्जाम दिया है? इसमें सीए इंटर ग्रुप वन का एग्जाम पास हो गए? खड़े हो जाए बेटा। आप भी? दो बच्चे पास हो चुके क्लास में, और बाकी जितने लोग बेटा वाह क्या बोला है अबे हौला है कि सब लोग, तो वही तो पूछा था सबसे। मैंने आपसे क्या सवाल पूछा था बेटा? इनका क्या है, इनको गारंटी नहीं? क्या नाम है आपका? खड़े हो जाओ। वैभव सक्सेना? नाम में तो बहुत दम है तुम्हारे। हाँ हाँ बिल्कुल। कहाँ से आए आप बताओ? सर लखनऊ से आए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा लगा आपका ये कॉन्फिडेंस देखते हुए। उम्मीद है आप पास हो जाएंगे। बड़ा जोरों का कॉन्फिडेंस है मेरा। सब पेपर बहुत अच्छे गए एकदम। यस सर, बस टैक्स का पेपर अच्छा गया, बाकी चेकिंग में पेपर अच्छा गया। टैक्स का दर्द तो पूरे इंडिया को है। कितने लोगों को टैक्स का दर्द है? ओह मतलब टैक्स निकल गया तो निकल जाएंगे ऐसा? कितना स्कोर की उम्मीद कर रहे हैं इस बार हम लोग? मतलब 250 तो आ ही जाएंगे कम से। नहीं सर, तीन सब्जेक्ट्स में श्योरिटी है कि तीन सब्जेक्ट्स का अराउंड एग्जम्पशन का है, और टैक्स में श्योरिटी नहीं है, बस एग्जम्पशन की, लेकिन पास की श्योरिटी है। ये थैंक यू सो मच बड़ा सक्सेना जी, हमारी दुआएं आपके साथ। का सीन भी आप सर्टिफाइड पास हो बेटा, एक बार ताली बजा दो इनके लिए। लेकर ना हो तो ना गाना गाने का, उसको इधर से कुछ दिखाना है तो, इधर से कुछ दिखाना है तो। माइक चेक चेक चेक, बढ़िया। बहुत अच्छा है। देखो सीए इंटरमीडिएट ग्रुप टू जो है, ये फैंस की जरूरत है क्या? एसी है तो फैंस बंद कर दो, आवाज ऐसी आती है। एसी ऑन कर दो, रिमोट्स बच्चों के पास दे दो, अगर लगा तो बंद कर देंगे, ठंड भी बच सकती है उनको। फैन की कैसी आवाज़ नॉइज होते हैं बहुत। एसी सारी ऑन कर दे, रिमोट उनके पास दे दे, लगा तो चालू करेंगे, लगा तो बंद करेंगे। ये मेरी ऑन रहने देना हमेशा, ठीक है? देखो सीए इंटरमीडिएट ग्रुप टू चार सब्जेक्ट्स है, बोलने के लिए वैसे छह है, ठीक है? चार बोलने के लिए रहे छह। कौन से छह है? ईएस के साथ में एसएम को जोड़ा है तो दो सब्जेक्ट्स यहाँ हो गए, एफएम के साथ में ईगो को जोड़ा है तो दो सब्जेक्ट्स यहाँ पे हो गए। आवाज आ रही जा रही है, आ रही जा रही है। वैसे छह सब्जेक्ट्स हमारे पास है, इनफ है। एसएम का वेटेज जो है 50 मार्क्स, ईएस का वेटेज 50 मार्क्स। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि दोनों में से कौन सा इंपॉर्टेंट है या कौन सा डिफिकल्ट है या क्या है, तो पहली बात तो आपको समझने होगा कि ईएस का जो सिलेबस है वो रिलेटिवली बहुत ज्यादा है एसएम के कंपैरिजन में। पता नहीं ऐसे नहीं ऐसे क्योंकि बावजूद दोनों के वेटेज 50-50, एग्जामिनेशन में एसएम 50 मार्क्स कहेंगे भले ही उसके नंबर ऑफ पेजेस कम है ईएस से, तो ऐसा हमेशा देखा जाता है कि 60-65% जो सिलेबस है इन टर्म्स ऑफ लेक्चर, अगर मैं बात करूंगा साहब, अगर आप हमारे ईएस के होंगे तो एसएम के 30 होंगे, समझ आ रहे हैं? पर दोनों का वेटेज सेम ही होगा, ठीक है? तो हमारे लिए अच्छी बात क्या है? हमारे लिए अच्छी बात क्या है? हमारे लिए अच्छी बात ये भी है कि एसएम का सिलेबस, ये सोचो कि अच्छा हुआ एसएम 60 सिलेबस का नहीं, 60 लेक्चर्स का नहीं है, ठीक है ना? तो यू हैव टू पे इक्वल अटेंशन टू बोथ,
ओके इसमें ब्लूटूथ कनेक्टेड ठीक है ओके ईआईएस एसएम इसे थोड़ा सा शुरुआत अच्छे से कर लेते हैं क्योंकि आप लोग क्या है ना अभी आपको एकदम से नए हो आप इंटरमीडिएट ग्रुप टू में पर आपका प्लानिंग मुझे अच्छा लग रहा है रिजल्ट आने से पहले आप क्लास लगा रहे हो देखो ये हमारा ग्रुप टू है ग्रुप टू के अंदर अगर मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करूं तो यहाँ पे आपके पास में एडवांस अकाउंट्स है और यहाँ पे एफएम और इको थेरियोटिकल है वैसे एडवांस अकाउंट एफएम इको ये प्रैक्टिकल है फिर ऑडिट हार्डकोर थेरोटिकल ईएसएम भी थेरोटिकल ठीक है चार सब्जेक्ट है वेटेज कितना हुआ 400 का हुआ पाना कितने हैं 200 लेकर आ जाएंगे राइट तो पाना लक्ष्य हमारा 200 का है ठीक है उम्मीदें 300 की करेंगे 350 की पर 200 में हम लोग आगे चले जाएंगे ठीक है बिफोर आई स्टार्ट समथिंग अगर हम लोग सीए इंटरमीडिएट ग्रुप टू भी अगर से पास हो जाते हैं तो हमारी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो सकती है ठीक है ना ऐसा यदि हो गया इन केस कि आप ग्रुप वन फेल हुए ऐसा होना नहीं चाहिए हुआ तो क्या होगा तो ग्रुप वन नहीं हुआ और हम लोग की ग्रुप टू की पढ़ाई तब तक बहुत स्ट्रांग हुई और हम ग्रुप टू इस अटेम्प्ट में पास हो गए और ग्रुप वन वापस से नहीं निकला बोल रहा हूं मैं आपको तो क्या फिर भी आर्टिकलशिप चालू हो सकती है तो डे वन से क्या सोचना है आपको कि दुनिया में कुछ भी हो जाए ये अटेम्प्ट के बाद में मुझे आर्टिकलशिप स्टार्ट करना ही है और टाइम वेस्ट नहीं करना यह हमारा निर्धारण होना चाहिए पास क्यों होना है बिकॉज सीए फाइनल का अटेम्प्ट हमें डिले राइट क्योंकि वो डिले होगा तो हम लोग लेट सीए पास होंगे तो कुछ लोग हैं जो शॉर्ट शॉर्ट ग्रुप वन पास हो जाएगी वो तो लॉटरी है ग्रुप टू भी निकल जाएगा और वो सीधा फाइनल में भी आ जाएंगे और यू नो आर्टिकलशिप में पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पर ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए कभी भी कि हम लोग कम से कम क्या पाना चाहते हैं कम से कम ये पाना चाहते हैं कि हमारी आर्टिकलशिप स्टार्ट होना चाहिए आर्टिकलशिप कैसे चालू होगी इधर भी पास ग्रुप वन और ग्रुप टू हम लोग जब आज से जब ग्रुप टू पढ़ रहे तो निर्धार निश्चय यही करना है कि कुछ भी हो जाए मुझे ग्रुप टू तो इस अटेम्प्ट में निकलना ही है अब इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा क्यों है आई एम टेलिंग यू अभी क्या कौन सा मंथ चल रहा है एग्जाम कब आएगी एग्जाम आएगी मई में राइट पर वो मई में नहीं आएगी जून में आएगी ठीक है क्योंकि वो अभी तक हम लोग सेट नहीं हुए इस तरह से कैसे सेट नहीं समझा तो क्या प्रॉब्लम चल रही है पता है वो सब डिले डिले होगा ना रिजल्ट लेट आता है फिर एग्जाम भी लेट होती है तो आपकी एग्जाम के टाइम पर हुई थी कि लेट हुई थी कितने एक महीने से लेट हुए तो सारी प्रोसेस भी लेट होगी ये भरपाई करने के लिए ऐसे है कोई अभी एक दो साल लगेंगे नहीं तो ऐसा नहीं हो कोई अटेम्प्ट में इनको सिर्फ 5 महीने दिए रिजल्ट आया और 1 महीने में एग्जामिनेशन ऐसा नहीं हो सकता ना हर अटेम्प्ट को उनको थोड़ा सा ये जो नुकसान हुआ है वो थोड़ा 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 हर अटेम्प्ट से निकालना पड़ेगा ठीक है तो उम्मीद है जून में पर हम लोग तैयारी मई के हिसाब से करेंगे 90% चांस है कि हमारे एग्जामिनेशन में जून में आएंगी तो बहुत अच्छा वक्त हमारे पास इस समय उपलब्ध है अभी क्या चल रहा है जनवरी बता दो कितना वक्त हमारे पास जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 5 महीने तो ये हो गया अब जून में कब आएगा देख लेंगे क्लासेस कब तक चलती है 2.5 से 3 महीने की क्लासेस चलती है हमेशा इन जनरल 2.5 से 3 महीने की क्लासेस चलती है जिसमें ना किसी पढ़ाया जाता है पढ़ाने के साथ साथ में उन सब चीजों को बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली उसको समझाया जाता है मतलब जैसे अगर कोई भी चीज हम आपको पढ़ाएंगे तो उस चीज को दिखाएंगे दुनिया में प्रैक्टिकल चीजें पहले आई कि थियोरेटिकल किताबें पहले लिखी गई ये कौन पहले ब्लूटूथ आया होगा या ब्लूटूथ के ऊपर लिखा गया होगा आया होगा बाद में किताबें बनी क्यों बनाई गई ताकि हम जैसे नादान लोगों को समझे ब्लूटूथ क्या है बराबर है जैसे आजकल आईओटी कॉन्सेप्ट है क्लाउड कॉन्सेप्ट है ये नए नए कॉन्सेप्ट है मशीन लर्निंग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट सुने होंगे ये सारी चीजें हुई है दुनिया में क्या होना बाकी है हुई है पर हमारे सिलेबस में उसको थ्योरी के फॉर्मेट में लिख के देंगे
तो हम हमेशा ये करते हैं कि जो चीजें दुनिया में अस्तित्व में है उसी के तो किताबें बनी है। तो एक काम करते हैं, इन ड्राई सब्जेक्ट्स को भी, ईएस एसएम को भी, मैं मेक श्योर करता हूं कि जितने कॉन्सेप्ट यहां पे हमारे किताब में आए हुए हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो दुनिया में हुए हैं, इसलिए हमारे किताब में आए हैं। अरे बोलो ना, आए हैं इसलिए दुनिया में आएंगे, दुनिया में आए हैं इसलिए हमारे पास है? दुनिया में है ना, दुनिया में है पहले से ही अस्तित्व में, सिर्फ हमारे जानकारी के लिए ऐसे ने हमारे किताब के फॉर्मेट में प्रस्तुत किया कि लो भाई तुम भी पढ़ लो। तो जब जब दुनिया में चीजें ऑलरेडी उपलब्ध है तो क्यों उसको थियोरेटिकल फॉर्मेट में पढ़ाया जाए? तो आप क्लास में कभी भी आपको ऐसा नहीं लगा कि आज हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा वो हमने महसूस किया? ये कल्पनाएं हैं, कल्पना महसूस कुछ नहीं करने का, हम लोगों देखेंगे। कोर बैंकिंग है, नेट बैंकिंग का एक चैप्टर है हमारे पास, तो पूरा नेट बैंकिंग अपन सामने कर लेंगे, खत्म हो गया। तो वही किताब में लिखा होगा, आज मैं वो क्लाउड पढ़ाऊंगा तो क्लाउड में आपको दिखा दूंगा, देखो क्लाउड ऐसे होता है रियल लाइफ में। मैंने क्लाउड का अभी अभी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही क्लास, किसके माध्यम से हो रही है? क्लाउड कंप्यूटिंग है। तो आपको दिखा दूंगा, देखो क्लाउड कंप्यूटिंग का मैंने अमेजोन से मैंने रेंट पे क्लाउड लिया है, उसका फिर मैं आपको बिल दिखाऊंगा, देखो अमेजोन जेब बिजोज मुझे कितना महीने का चार्ज करता है, फिर मैं बैंक स्टेटमेंट में जाके बताऊंगा देखो कितना मैंने पेमेंट किया है, ताकि आपको लगेगा नहीं यार ये सब ये जो क्लाउड लिखा है वो दुनिया में यूज भी करते हैं। और हमारी क्लास जो लाइव स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन पे हो रही है या इस समय कुछ दिन 5-6 दिन हम लोग यूट्यूब पे लेंगे, तो ये क्लाउड के द्वारा हो रही है, तो ये रियल लाइफ चल रहा है हर चीज यहाँ पे जो क्लास में। जैसे एग्जाम्पल मोबाइल कंप्यूटिंग अगर आपको पढ़ाऊंगा तो आपको मोबाइल कंप्यूटिंग मोबाइल पे करके दिखाऊंगा ना, तो आपको हर चीज वो याद रहेगी। कभी भी आपको ये देखो दुनिया में आपको वो चीजें हमेशा आपने 10 साल 12 साल से पढ़ाई की होगी शायद से, वो चीजें अब तक आपके दिमाग में जरूर है जो चीजें आपने देखी हुई हैं। आप गाड़ी यूज करते हो, बाइक चलाते हो, वो थ्योरी है प्रैक्टिकल है? भूलते क्या चलाना? अरे भूल गया यार, गाड़ी चलाते नहीं आ रही, अब कैसे हो गया यार। और वही अगर मैं गाड़ी चलाने का आपको किताब दे दूं, एक लेफ्ट में ऐसा राइट में ऐसा गियर ऐसा होता, महसूस करिएगा, इमेजिन करिए गाड़ी कैसे चल रही है। आप लोग गाड़ी चला रहे हो इसलिए गाड़ी आपके लिए बहुत आसान हो गई, एक्चुअली अगर थियोरेटिकल बताएंगे तो बहुत मुश्किल है। ऐसा होता है, ये होता है, इधर क्लच होता है, इधर ब्रेक होता है, इधर हैंड ब्रेक होता है, ये स्टेयरिंग होता है, ऐसा इंडिकेटर। पर जो एक बार इंसान ड्राइविंग सीट पर बैठ जाए वो सारी चीज़ें एक बार देख लें तो उसके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती है, ऑल्दो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट ऐसा लिख के बताया जाए तो। तो दुनिया में हर चीज़ बहुत आसान हो सकती है। आज हम लोग FM पढ़ेंगे, उसमें हम लोग बीटा पढ़ेंगे, लेवरेज पढ़ेंगे, शेयर मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। तो शेयर मार्केट को महसूस करने की ज़रूरत क्या है? दिख रहा है, इंटरनेट है, पूरे क्लास में 24 आवर्स हम लोग इंटरनेट चलाते हैं। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है तो हम लोग विकिपीडिया नहीं यूज़ कर रहे, यूट्यूब यूज़ नहीं कर रहे, इंटरनेट पूरा एकदम रियल लाइफ पूरा आपके सामने खोल के रख देंगे। तो उसके से क्या होता है, जैसे मुझे आपको कुछ बताना है, किसी कंपनी की बैलेंस शीट दिखाना, तो महसूस क्यों करेंगे? बैलेंस शीट दिखती है आजकल, ये हम उस युग में पढ़ रहे हैं जिस युग में इंटरनेट बहुत अच्छा है। तो मेरे लिए आसान क्या हो जाता है, वो चीज़ आपको दिखाना। मैं आपको बोलूँगा कि रिलायंस जैसे कंपनी का रिजर्व बहुत ज़्यादा है, उनका अपने कुछ कॉन्सेप्ट है, डिविडेंड्स, EPS, DPS, ये सारे कॉन्सेप्ट है, रेशोज। तो उसको महसूस क्यों करना है भाई? TCS है, एक्चुअल है, रिलायंस है, ऐसे कंपनी के बड़े बड़े कंपनीज के आपको ये सारी चीज़ें दिखा देंगे तो आप उसको उस कॉन्सेप्ट को देख लोगे दिल से, तो उस चीज़ को समझना बहुत आसान हो जाएगा। मैं आपको यही कह रहा हूँ, मेरा मुद्दा यही, सारा सब्जेक्ट जो है EISSM का हो या FM ECO का हो, इट विल बी टॉट प्रैक्टिकली। ये क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, हमारी एग्जामिनेशन 5 महीने बाद ज़रूर है, 2.5 महीने के बाद क्लास जब हो जाएगी, 2.5 महीने हमारे पास और बचे होंगे, या मान लो 2 महीने बचे होंगे, वॉट एवर, भूलने का स्कोप ही नहीं है। वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इज लेफ्ट बिटवीन द क्लासेस इज गेटिंग ओवर एंड द एग्जामिनेशन, समझ आ रहा है? 2 महीने मतलब आप अभी भी जो गर्मा गर्म पढ़ रहे हो वही आपको एग्जामिनेशन में जाके लिखना है, वो भी प्रैक्टिकल आपके दिमाग में घुसेड़ दिया है, भूलने की संभावना ही नहीं है। प्रैक्टिकल समझा तो समझाई है, हम लोग क्लास में क्या करते हैं, वी मेक श्योर वी टेक लॉट ऑफ क्यूमुलेटिव रिविजन्स। वॉट इज द मीनिंग ऑफ क्यूमुलेटिव रिविजन्स? उस चीज को हम लोग बार बार पढ़ते हैं, रोज सर रोज रोज वही वही बोलेंगे आप, हाँ वही बोलेंगे,
क्यों बोलेंगे? मैंने आपको एक गाना सुना है कोई गाना सुना है आपको? कोई भी गाना सुनते हैं लेटेस्ट गाना बताओ भाई, अच्छा गाना बताओ यार, जरा क्या है माहौल बनाओ, अच्छा गाना बता सकते हैं? इधर से एलिवेटेड हिंदी सुनाओ यार, हमारे जमाने का क्या? पंजाबी चलो सुनते, बिजली पता नहीं आपको, बिजली ऐसे मत करो, अपना फेवरेट सिंगर है वो। इस क्लास का नेट थोड़ा पासवर्ड डाल दीजिए अंकुश। गाना मैं इधर से चलाता हूँ वैसे, बिजली वाला। जितने लोग मुझे YouTube पे देख रहे हैं, दो मिनट शांति से बैठा, मैं आपको बात करूंगा आपसे भी, थोड़ा सा मुझे चालू करने दीजिए ढंग से। ये गाना मैंने चलाया, इसका नेट पासवर्ड डाल दीजिए। सबसे अच्छा और जिक में पर्सनल लोन कहाँ मिलेगा बेटा? तुम्हारा सिविल स्कोर अगर 750 से ऊपर है ये गाना बहुत लोग पहली बार सुन रहे होंगे और कुछ लोग बार बार सुन रहे होंगे। सिंड्रेला मैं पढ़ा रहा हूं कि गाने सुना रहा हूं? गाना कितने पहली बार? एक दो आप बहुत आगे जाओगे आप, पहली बार सुना आपने, खड़े हो जाइए आप। इसके लिरिक्स बोल सकते हो? ट्राई तो करिए। सिंड्रेला संजय, बाकी नहीं संजय कोई है जिसको थोड़ा सा याद होगा लिरिक्स, कोई बताएगा गाना थोड़ा बहुत? इधर कोई है थोड़ा बहुत, दो चार? ये सिंड्रेला से आगे कोई बढ़ गए? सिंड्रेला से पहले जरा बताइए क्या होगा गाने का? देखिए अभी बेटा आपसे इनका लेवल बढ़ गया, इनको थोड़ा गाना आया आपको नहीं आया, इसका ये अर्थ नहीं कि बहुत स्मार्ट हो गए और आप नहीं हो। वजह है कि इन्होंने इस गाने को कई बार सुना और आपने इस गाने को पहली बार सुना। यदि आपको आज से हम प्रॉमिस करना है, हमें 8 दिन आपको सुनना है रोजाना। रूम पे जाओगे ये बोलना सिंड्रेला, आपको यही करना है सिंड्रेला। तो आप अगर 8 दिन करोगे ना तो इनसे भी अच्छा आप गा लोगे। अर्थ ये होता है कि कोई चीज हम लोग जब बार बार करते हैं ना, वो चीजें याद हो जाती है। और हालांकि जब सुन रहे थे इन्होंने याद करने की कोशिश भी नहीं करी थी वो, अरे बोलो गाने ऐसे ही याद हो जाते हैं। आपकी जो बुद्धि है ना उसका डेवलपमेंट आप समझने की कोशिश करिए, होती निर्माण कैसे हुआ है इसका। एक बारी में उसको कुछ समझ नहीं आता, हमारे जो बुद्धि की जो साइंटिफिक जो हम लोग रचना जो हुई है इस ब्रेन की बुद्धि की, वो वन टाइम टेकर है नहीं, उसको वो चीज बार बार बजाना पड़ती तब जाके दिमाग में घुसती है उसके। सही बोल रहा हूँ? हे गाइस कम ऑन, लेट इट बी द सॉन्ग्स और जो पोएम आप सुनते हो, कुछ भी जो चीजें आप जब बार बार करते हो ना, गाना का पूरा लिरिक्स याद हो जाता है हमें। पर कोई गाना के पहली बार सुनने से अजनबी सा लगता है, पर दूसरी बार अपना सा लगता है, तीसरी बार चाहत हो जाती, चौथी बार मोहब्बत हो जाती, पांचवी बार याद हो जाता है गाना। कॉन्सेप्ट समझे कि गाने का विषय यहां पे इसलिए निकला है कि चाहे दुनिया का, चाहे खरीदना, चाहे दुनिया का कोई भी कॉन्सेप्ट हो, आप उसको तब तक याद नहीं कर पाओगे जब तक आप उसकी फ्रिक्वेंट रिवीजन नहीं करोगे। और वो गाने की फॉर्मेट में हमने आपको प्रूफ करके दिया है
इसीलिए आपको समझना है कि क्लास में आने की आदत में मैं अगर एक दिन कॉन्सेप्ट समझ जाऊंगा और क्लास में मैं बहुत खुश हो गया, फिर भी उसका कोई उपयोग नहीं है, वो 5 महीने बाद एग्जामिनेशन में वैसे भी याद आने वाला है नहीं। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? तो पहले हमने क्या करा, उसको प्रैक्टिकल समझ के याद करने की कोशिश की। दूसरी बात, उसका फ्रिक्वेंट रिविजन लेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं क्यूमुलेटिव रिविजन। अर्थ यह होता है कि आज 5वां दिन है, तो हम पहले 4 दिन का रिविजन करेंगे, फिर 5वें दिन घुसेंगे। 10वां दिन होगा, हम पहले 9 दिन का रिवीजन करेंगे, 10वें दिन घुसेंगे। 20वां दिन होगा, 19 डेज पहले रिवीजन करेंगे, फिर 20। इस तरह से क्या होगा वो कॉन्सेप्ट, बोलो यार। तो आप क्या होगा, वो जैसे आप गाना भूलोगे नहीं, वैसे कॉन्सेप्ट भूलोगे नहीं, आप एग्जामिनेशन में आ गया पूरा लिख दोगे वहां पर अच्छे से। तो क्लासेस का पहले फॉर्मेट समझो, आपकी क्लासेस को कैसे डेवलप किया जाता है, पहले प्रैक्टिकली समझा जाएगा, फिर साथ साथ में उन्हीं प्रैक्टिकल चीजों को रोज रिवाइज किया जाएगा, फिर भी आप पास नहीं होंगे, बताओ क्यों? सर हमको समझा भी है कॉन्सेप्ट और याद भी आ गया, फिर कॉन्सेप्ट फिर क्यों नहीं है हम पास होंगे? क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन बोलने की नहीं है, लिखने की है। ग्रुप पर किसी का एक्सपीरियंस बताओगे, क्या सच में लिखना भी एक चैलेंजिंग जॉब है? किसी ने महसूस किया कि पेपर छूट गए? कितने लोगों का पेपर स्किप हुआ, 10 मार्क, 15 मार्क, 5 मार्क? ग्रुप वन में सब पेपर 100 मार्क्स के लिए गया, अपना पेपर छूटे हैं ना आपके, कितने कितने मार्क का छूट गया बेटा? ऐसा कभी हुआ आपको आ रहा था और आपने लिखा नहीं? बेटा क्या हुआ था आपके साथ में, खड़े हो जाइए। कॉस्टिंग के पेपर में क्या हुआ था, आ रहा था नहीं लिखा ना आपने, समझा आपको क्या हुआ? और वो दर्द नहीं होता, दर्द डिस्को होता है, जब आता है, नहीं आता तो वैसे तो प्रॉब्लम ही नहीं है, तो फिर तो क्या कर लेंगे, पर आ रहा था। और घर पे आने के बाद में जब इंसान उस पेपर को देखता है ना, तो दिल में बिजली गिरती है, बराबर बोल रहा हूं? बिकॉज यू न्यू इट बट स्टिल यू कुडंट राइट इट, इट इज अ पेन। ऐसा आपके साथ में क्यों हुआ मालूम है? राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हुई है, सो वी नीड लॉट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस, इमेंस। क्लास हम लोग 2-5 दिन लेट खत्म करेंगे, परवाह नहीं, हम उन दिनों को याद करेंगे जब हम लोग 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में थे। क्या था वहां पे, कोई है जो अकाउंट्स के बहुत सारे पेपर लिखा था 12th स्टैंडर्ड में, लिखे थे? देखो कितने लोग हाथ ऊपर कर रहे, कितने कितने टेस्ट हुए थे भाई आपके? 3 बहुत, 15 टेस्ट हुए थे, 15 टेस्ट हर चैप्टर के बाद, फिर वो पूरे सिलेबस का, आधे सिलेबस का। आपको मालूम है अकाउंट्स में किसको, अच्छा 90+ किसी को आए थे अकाउंट्स में? इतने लोगों 90+, 100 किसी को आया था? 100 आ गए, बेटा खड़े हो जाइए आप, 100 मार्क्स, एक बार टाले ठोक दो इनके नाम, बहुत ही बढ़िया, चलो लेक्चर चलो, बहुत बढ़िया है। आपने भी टेस्ट दी थी बहुत सारी, कितनी टेस्ट दी होगी लगभग? हर चैप्टर के बाद आपने टेस्ट दी थी, ध्यान से सुनना, मैं जो कहना चाहता हूं मेरे को इशारे को समझने की कोशिश करिए, चीजें डिफिकल्ट नहीं है, चीजें आसान है, सिर्फ हमने ही अपने पढ़ाई के तरीकों को बदला है, हमने जिस चीज को अपनाया था एक जमाने में जीवन में, उसी को हमने भुला दिया है। याद करो, बराबर कह रहा हूं, वही अकाउंट जो कई लोगों के लिए खौफ है, वहां पे आपने 100 स्कोर कर लिया, क्यों? वो अकाउंट खौफ बना ही नहीं, बिकॉज आपने उसके 10-15 टेस्ट इतने लिख दी इतने बार पढ़ लिया, इट बिकम सो इजी। सेम थिंग वी नीड टू फॉलो हियर एज वेल, क्योंकि टेस्ट देने के फायदे होते हैं, बताओ क्या फायदे होते हैं? आपको पहले तो उसके बहाने से पढ़ना पड़ता है, दूसरी बात अगर मार्क्स अच्छा है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और मार्क्स नहीं आए तो इंसान को सीख मिलती है भाई अब उठ जा, अब समय आ चुका है। हमें फाइनल एग्जामिनेशन के रिजल्ट के बाद में तब रोना नहीं है, हमें क्लास के टेस्ट के बाद में रोना तो चलेगा, बिकॉज यहां पर स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, वहां पर सीधा अटेम्प्ट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अरे बोलो भाई। पर ऐसा अक्सर देखा जाता है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, हाथ से निकल जाते हैं। क्यों बोल रहा हूं ऐसे? कई बार ऐसा देखने में आता है मेरे, कई बार ऐसा देखने में आता है मुझे कि जो बच्चा है ना, अपने आप को स्मार्ट समझने लगता है, क्योंकि वो फाउंडेशन क्लियर हो गया, लोगों ने तारीफ भी की होती, तो उसका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाता है,
फाउंडेशन निकलना आसान बात थी, सब्जेक्ट अलग था बेटा। इंटरमीडिएट मैं अपना सुनाता हूं, इंटरमीडिएट में दो बार फेल हुआ, तीसरी बार पास हुआ। सीए फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुआ। देख के क्या लग रहा है, कौन सा आसान है? फाइनल आसान है, इंटरमीडिएट बहुत डिफिकल्ट है। जानते हो क्यों? फाइनल पास होना रिलेटिवली इज मच इजियर। क्यों? बिकॉज ऑफ आर्टिकलशिप में जिस चीजों को देखते हो ना, वही चीज एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। तो राइटिंग दोस थिंग्स बिकम्स वेरी इजी बिकॉज यू नो अबाउट इट। समझ आ रहा है? इंटर में प्रॉब्लम क्या है, दुनियादारी देखी नहीं, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यू हैव नॉट डन ऑडिट, यू आर राइटिंग क्वेश्चंस ऑन ऑडिट। इंटरमीडिएट में पास होने के बाद में 3 साल के आर्टिकलशिप में रोजाना जब ऑडिट करोगे तो सीए फाइनल का ऑडिट अच्छा जाएगा ना, क्या इंटरमीडिएट का जाएगा? क्योंकि आपने उस चीज को 3 साल वही कर रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स आपने कुछ किया ही नहीं, इनकम टैक्स बढ़ रहे हो, बोल रहे डिफिकल्ट आ रहा। क्यों डिफिकल्ट नहीं है वो? सीए फाइनल का डायरेक्ट टैक्स आपको बहुत ईजी लगेगा। क्यों? 3 साल प्रैक्टिस करते से वही करोगे आप, डायरेक्ट टैक्स, तो वो बहुत आसान जाएगा। कंक्लूजन ये है, इंटरमीडिएट पास ऑलमोस्ट आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। आपको सिर्फ 3 महीने, अगर जिन लोगों का ग्रुप 1 निकल गया ना, ये आने वाले 5 महीने अगर आप दिल लगा के पढ़ लिए ना, तो आप फाइनल हो, और फाइनल हो मतलब सीए हो। ये आप दिमाग में ठान लीजिए। ये मत समझो दिल्ली बहुत दूर है, बहुत पास है, करीब है। फाइनल पास होना मच इजियर बिकॉज आप बहुत सारा प्रैक्टिकल, और 3 साल का वक्त मिलता है यार। आफ्टर यू क्लियर सी ए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, यू आर हैविंग 3 years टू स्टडी सी ए फाइनल एग्जामिनेशन, इट इज टू मच। 36 महीनों में साला ठोक देंगे लोग। यहां पे प्रॉब्लम क्या है? फाउंडेशन हुआ 9 months के अंदर, ये भी देंगे वो भी देंगे, कितना पढ़ेंगे? 11 सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट में, वक्त सिर्फ 9 महीने का है, इसलिए प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। तो सबसे फाउंडेशन तो निकल गया, फॉरगेट अबाउट इट, फाइनल निकल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। यही निकालना है, बस यही निकाल लिया, आप सीए बन चुके हो। इसीलिए जितनी ताकत आपके दिल में बची है ना, कुछ करने का हुनर आप में, जिंदगी में घर वालों को सम्मान देना है, अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने घर वालों को और अधिक इज्जत दिलाना है, तो आपकी सीए की डिग्री बहुत काम आएगी। द मोमेंट यू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपकी घर वालों की इज्जत पहले से कई गुना बढ़ जाती है। और हम बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, देखते हो कि मेरी वजह से मेरे मम्मी पापा को लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, दैट गिव्स यू लॉट ऑफ मोटिवेशन। आपने फाउंडेशन पास हुआ था, उसके बाद आपके घर वालों को कितनी ज्यादा खुशी हुई थी, हुई थी या नहीं हुई थी? अरे बोलो यार, हालांकि फाउंडेशन पास हुए यार, पर लोग बोलते ना अभी आप कितने लोग यहां से आउटस्टेशन से हैं? ओह, पूरी क्लास ही आउटस्टेशन से भरी है। क्या आपको लगता नहीं आप यहां पे भी आ रहे थे, आपको बहुत सम्मान से लोग देख रहे थे, अच्छा पूना पढ़ने जा रहा है, आपके घर वाले रिलेटिव सबको मालूम है कि आप पूना में आए हो, तो लोग आपको आइडल बेंचमार्क की तरह देख रहे हैं। आपके छोटे भाई बहन अगर होंगे, घर परिवार में होंगे, अगर उनको पता है मेरी दीदी मेरा भैया पूना पढ़ने गया ना, वो आज आपको रोल मॉडल की तरह देख रहा है, वो उसको लग रहा है कि मेरा भैया पूना पढ़ने गया, वो भी सपने देख रहा है आज से कि मैं भी पूना चले जाऊं एक दिन, या मैं भी दिल्ली चले जाऊं एक दिन, मैं भी पढ़ूंगा और मैं भी आगे चला जाऊंगा। तो रोल मॉडल को रोल मॉडल जैसा बिहेव करना जरूरी है। आप इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, उनके लिए आप रोल मॉडल हो कि आप पढ़ाई करने के लिए मिशन पे निकले हो, उस मिशन को कामयाब करना जरूरी है। बहुत बुरा लगेगा आपके घर वालों को जब पूना आकर भी, या यहां पे जितने लोग लाइव स्ट्रीमिंग को क्लास कर रहे हैं कि रोजाना बेसिस पे वो लाइव स्ट्रीमिंग की क्लास कर रहे हैं, इंटरमीडिएट का ग्रुप 1 का रिजल्ट नहीं आया फिर भी पढ़ाई कर रहे हैं, और आप सीए इंटर ग्रुप 2 में अगर फेल हो जाओगे ना, तो बहुत बुरा आपको नहीं आपके घर वालों को लगेगा, उन सारे लोगों को जो आपको अपना एक रोल मॉडल मानते हैं। आपको नहीं पता जाने अनजाने में कितने लोग आपको फॉलो करने लगे हैं, आपको लोग लगते हैं आपको पता नहीं। और कभी कभी होता कि हम लोग सीए वाले, ये भी सीए कर रहा है, ये भी सीए कर रहा है, तो हमें एक दूसरों की इज्जत नहीं है। सही कर रहा हूं मैं? हमें एक दूसरे की इज्जत क्यों होगी?
बोले भैया तू सीए कर रहा, मैं भी तो क्या क्या करूं, डांस करे डांस मेरी रानी, क्योंकि तू भी सीए मैं भी सीए। ऐसा नहीं होगा। हमारी इज्जत उन लोगों से पूछिए जो सीधे सिर्फ बीकॉम कर रहा है। वो प्रतिष्ठा सम्मान स्वाभिमान से आपके पास देखता है, देखता है कि नहीं देखता है। आप इंडिया के वो सिंसियर लोग हों जिसने जिंदगी को इतने कम उम्र में मैच्योरिटी के साथ देखा है। यू शुड ऑलवेज फील प्राउड अबाउट योर सेल्फ कि मैं कितना नेक इंसान हूं, मैं कितना सीधा, कितना मैच्योर इंसान हूं कि इतनी कम उम्र में इतनी समझदारी मुझ में आई है कि जहां पे लोग अभी नींद में सो रहे होंगे कई लोग तो, और जो बीकॉम कर रहे हैं उनको अगर पूछा आपने भैया तुम्हारा स्केड्यूल क्या है, ये क्या चीज होता है, ये क्या होता है। स्केड्यूल तो आपका बनता है, वो भी अभी का नहीं, 5 महीने का स्केड्यूल हम बना रहे हैं, उनका कल का भी नहीं होता। अरे वो उठते कब सोते कब, तुम्हें तो ये भी पता है कि आने वाले मई में जून में क्या होगा, तुम्हें तो ये भी पता है 2025 में क्या होने वाला है। इसको बोलते प्लानिंग, इसको बोलते स्केड्यूल, इसको बोलते मैच्योरिटी, इसको बोलते रोल मॉडल। ऐसे लोग समाज में कम है। हम लोगों को एक दूसरे की इज्जत नहीं, बिकॉज हम एक दूसरे को क्वांटिटी में देखते हैं। पर आप कहीं लोगों के लिए बहुत सम्मान की चीज हो, ये आपको अपने आप को ढाना है कि भाई लोग मुझे फॉलो करते हैं तो मुझे उस तरह से एक्ट करना है। अगर आप ही भाग जाओगे तो फिर उनकी आस्था को ठेस पहुंचेगी। तो आप पहले तो आज ही ग्रुप टू स्टार्ट हो रहा है, आप पहले तो अपने आप को डिटरमाइन कर ले कि अपने को अपन बहुत भारी है, अपन कौन है। बहुत अपने आप को आपको मैच्योरिटी से बिहेव करना है, एकदम बिल्कुल बेपरवाह लापरवाह होके नहीं, यू हैव टू बी वेरी मैच्योर्ड। अगर आप एक लेक्चर बंक कर रहे हो 10 बार आपने सोचना चाहिए कि सच में लेक्चर बंक करूं मैं, क्योंकि कई लोगों ने मुझे विश्वास के साथ यहां पे भेजा है, कई लोगों ने विश्वास के साथ मेरी क्लास की फीस भरी है, कई लोगों के लिए मैं आदर्श सम्मान हूं। एक लेक्चर मिस करने से पहले, एक लेक्चर की कॉस्ट, एक दिन की कॉस्ट आपके लिए लगभग 500 से 1000 रुपए की होती है। एक लेक्चर की कॉस्ट कम से कम 200 रुपए की होती है। समझ आ रहा है आपको? जब आप कोई लेक्चर नहीं आ रहे हो, इसका मतलब आपके आप एक शो मिस कर रहे हो मूवी का। समझ आ रहे हो? कभी ऐसा होता है हमने टिकट निकाले और मूवी नहीं गया ना, दर्द होता है यार, पैसे लेके नहीं गए। ये वैसा ही है, सिर्फ आपके पैसे एक साथ प्रीपेड हो चुके हैं, वरना पैसे मूवी के ही लग रहे हैं आपको। आप इस बात को, और ये मैं एहसास इसीलिए दिला रहा हूं ताकि आपको हर बार दर्द हो जब मैं क्लास, बिकॉज ठंड के दिन हो सकता है आपको लगा ओह माय गॉड आई डोंट वांट टू गो टुडे बिकॉज आई एम फीलिंग सो बोर्ड, आई डोंट वांट टू गो, आई एम फीलिंग लेजी। डोंट डू ऑल दैट। आपके घर वालों ने बहुत मेहनत से ये सब चीजों को जोड़ा है, ना किसी पैसों से। बहुत लोग इमोशनली यहां पे घर वालों को दुख पहुंचा क्या है, यानी कि दुख पहुंचा नहीं, मम्मी को ये था ना कि जाने से पहले मेरा बेटा पहली बार जा रहा है, मेरी बेटी पहली बार जा, आप आ रहे थे सोच याद करिए, दोनों रो रहे थे, भैया रो रहा था, मतलब दीदी रो रही थी, मम्मी पापा तो समझो सामने नहीं रो रहे, पीछे रो रहे होंगे। ये सबको करके आप यहाँ आए हो। जितने लोग घर पे बैठे हुए हैं उन लोग के लिए भी लाइव स्ट्रीमिंग में भी देखो, यहाँ पे 500-600 लोग बैठे हुए हैं लाइव स्ट्रीमिंग में। घर वालों को लगता है ना कि बच्चा पढ़ रहा है कमरे में बंद होके, तो मम्मी रूम पे, अभी जितने लोग लाइव स्ट्रीमिंग में पढ़ रहे होंगे, मम्मी बोलेगी बेटा खाना खाने, तू उठ मत, तू यहीं बैठ, चाय चाहिए, दूध चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए। तो आपके दिन भर सेवा में माँ आपकी हाजिर होती है, और जब आप रूम में कमरे में बंद पढ़ाई करने के अलावा कुछ और काम कर रहे हैं, तो ये किसी माँ की आस्था को ठेस पहुँचाने वाला काम है, तो आपके लिए तो और बड़ा काम है। तो कुछ गलत करा पे, आज फर्स्ट लेक्चर में मुझे सारी बातें डिफाइन करना जरूरी, ये सिलेबस आपके दिमाग में मैं ठोक दूंगा। डोंट वरी अबाउट ESM FME को, एडवांस अकाउंट आनंद से विल टेक के, डोंट वरी अबाउट दैट, ऑडिट हर्षद से विल टेक के, डोंट वरी अबाउट दैट। एकदम ग्रुप टू आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा, और ग्रुप टू इज मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। आपको मैं आज ही आश्वासन देता हूँ इस चीज़ का, आप बोलोगे सर ग्रुप टू इज मच मच मोर इंटरेस्टिंग देन ग्रुप वन इज, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। 8 दिन के दाम बोलोगे सर क्या मजा आ रहा है, एवरीथिंग एवरी डे यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, हर रोज आपको लगेगा वाह क्या मैं पढ़ रहा हूँ, क्या नई नई चीज़ आ रही है, और हर रोज उसी उम्मीदों से आपको ना क्या चीजें मैं लेके जा रहा हूं क्लास में से। सब पास होना नहीं, ये अलग चीज है। हमें जीवन में
ये बनना इंपॉर्टेंट है या सक्सेसफुल आदमी बनना इंपॉर्टेंट है? सक्सेसफुल बनना इंपॉर्टेंट है? अरे बोलो भाई, व्हाट इज द यूज ऑफ बिकमिंग सीए इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल पर्सन? सीए बन गया बाद में कुछ काम ही नहीं है आपको। हम बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए वही इंसान सक्सेसफुल बनता है जो चीजों को प्रैक्टिकली समझकर उसको अप्लाई करने की सोचता है। हम लोग शेयर मार्केट सीखेंगे, हम लोग लेवरेज सीखेंगे, कैपिटल बजटिंग सीखेंगे, सारी चीजें क्लास में सीखेंगे, फिर हम लोग उस चीज को क्लास में डीमैट खोल के अपनाएंगे। तो क्या मतलब हुआ, हमने समझा भी, अप्लाई किया भी और पैसे बनाए भी, तो कहेंगे हम सक्सेसफुल हुए। सही है नहीं? सीए बनना कुछ लोगों के लिए ड्रीम जरूर है, पर एक बात याद रखना, सीए बनना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस आदमी का सक्सेसफुल बनना। और सक्सेसफुल वही बनेगा जो चीजों को ये देखता है कि ये जो मैंने आज सीखा ना, कैसे मैं इसको अपने जीवन में यूज कर सकता हूं। हर कोई चीज जो आईसीएन ने अपने सिलेबस में दी, इतना बखूबी सिलेबस आपका डिफाइन किया हुआ है, अमेजिंग लेवल है सिलेबस का, आपको मजा आ जाएगा। बोले क्या मैं सीख रहा हूं यार, क्या मजा आ गया, क्या सब्जेक्ट दिए, मतलब जीवन में आनंद हो गया, क्या मजा आ रहा है। हर रोज जो चीजें देखोगे आपको वो यूज करने आएगी, एवरीथिंग विल बी इंप्लीमेंटेड, इट इज अ रियल लाइफ कनेक्टेड, बहुत मजा आएगा। एसएम तो एक नंबर आगे जाएगा, सारी चीजें चाहे वो इको हो एसएम हो, सब चीजें प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। चलो ठीक है, यहां पे चल, एक लड़के ने क्या कमेंट दिया देखो सर आपका पीडी लिया है मैंने May 22 के लिए, 35 लेक्चर्स हुए, आप क्या पढ़ाते हो, जहर पढ़ाते हो। अब इसको तारीफ समझू मैं बेटा, जहर का मतलब मैं मार देता हूं आपको, जहर पढ़ाता हूं। चलो ठीक है, हमारी क्लास में मल्टीपल टेस्ट होते रहेंगे, आप सभी से गुजारिश है स्कूल की तरह इस क्लास का सम्मान करेगा, टीचर को आज भी उतना ही रिस्पेक्ट करेगा। अगर टीचर बोल रहे टेस्ट देना तो अपनी बुद्धि न चलाए, आपको उतना ही करना है जितना हम कह रहे हैं। इसी पढ़ाई के पैटर्न की वजह से इतने सारे रैंक होल्डर्स भी आते हैं, ये एक शिक्षा है, एक संस्कार है, अनुशासन है, आपको ऐसे ही करना है तो करना है। आप किसी इंसान पे, किसी इंस्टीट्यूट पे भरोसा करते हो ना, तो फिर पूरा भरोसा करना चाहिए कि भाई बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे। मुझे क्या लगता है, ये आपको सोचना ही नहीं है, मुझे आपको सोचना ही नहीं, आपको सोचना ही है तो फिर आप ही कर लो पढ़ाई। अगर आपको बोल रहे हैं आज टेस्ट देना है तो देना है, आपको बोलना है कि आज एक्स्ट्रा लेक्चर है तो है, आप बुद्धि न लगाए वही बेटर होगा। इसको बोलते हैं ब्लाइंड फेथ। और जब किसी गुरु को अपनी जिंदगी में अपनाते हो आप, तो उसके ऊपर ब्लाइंड फेथ होगा ही, तो ही वो सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट आएगा। आपको सब्जेक्ट से मोहब्बत करना है तो सब्जेक्ट पढ़ाने वाले को भी इज्जत करना जरूरी है। अगर वो सब्जेक्ट पढ़ाने वाले के ऊपर ही आपको संदेह है तो सब्जेक्ट के में मजा नहीं आएगा, राइट? आपको अभी हर्षद सर ऑडिट पढ़ा रहे हैं, आनंद सर अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं यू हैव टू फॉलो इट, दैट्स इट। वो बोल रहे बिकॉज ही इज बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग दिस सब्जेक्ट सिंस लास्ट 11 ईयर्स, तो कई बार पढ़ा है। ऑल इंडिया रैंक्स इतने सारे निकलते हैं, ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4, 6, 8, इतने सारे ऑल इंडिया रैंक यहीं से है। इस बार तो 50 में से 21 ऑल इंडिया रैंक्स ऐसे थे जिन्होंने मुझसे ESSM/FME को पढ़ा है। 50 में से 21 किसको बोलते हैं, 40% क्राउड, समझ आ रहा है? इसका मतलब जो मैं कह रहा हूं तो कुछ तो ज्ञान दे रहा हूं, कुछ तो बाहर ही कर रहे होंगे। तो आप, मैं उतना ही बोल रहा हूं, आप अपने दिमाग न चलाए। अभी तक का हाईएस्ट स्कोर इस अटेम्प्ट का है, इस प्रीवियस अटेम्प्ट में somebody स्कोर 84 मार्क्स लास्ट अटेम्प्ट में, प्रीवियस अटेम्प्ट का हाईएस्ट स्कोर बोल रहा हूं, वैसे तो 90s में हाईएस्ट स्कोर है ईएस का, 84 स्कोर क्या है, 97 मार्क्स एफएम इको में हाईएस्ट स्कोर है पिछले बार का। तो हम लोग देखते हैं, अगर इन सब्जेक्ट की टोटल अगर हमें 200 चाहिए, तो बच्चों आपको इनमें से कोई भी ऐसे दो सब्जेक्ट चुनना है जहां पे यू आर स्कोरिंग 60+। अगर आप इनमें से कोई भी दो सब्जेक्ट में 60+ स्कोर कर लोगे, बोलो भाई, उसके बाद आपका सीए फाइनल में आना तय है। क्योंकि यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिविजुअल सब्जेक्ट की पासिंग की है ही नहीं,
सीए इंटरमीडिएट ग्रुप टू में लोग फेल होते हैं, उसकी मेन वजह यह होती है कि लोग अपने 200 का नंबर पार नहीं कर पाते हैं. That is only cause because they are not able to get through. If you want to get through in this attempt itself, you have to score at least exemption in two subjects. Example, यह अगर आप यहाँ पे 60 plus लेकर आते हो और यहाँ पे भी लेकर आते हो, चारों में से कोई भी दो सब्जेक्ट आपको रोज रोज आपको पढ़ेंगे, 8 दिन बाद समझ जाएगा आपका फेवरेट, आपका इंटरेस्ट किस में आ रहा है. मान लीजिए इन दो सब्जेक्ट में आपने 120 का नंबर को स्कोर कर लिया, तो समझ लीजिए यहाँ पे आपको सिर्फ 40-40 करना है. अगर यहाँ पे गलती से आपका इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया, जो यहाँ पे 80 लाना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, तो अगर आप 80 और 60 स्कोर कर लेते हो आप, तो यानी कि आपका 140 स्कोर हो गया. यहाँ पे आपको वापस से 40-40 स्कोर करना है, क्योंकि मिनिमम अपना 40 है, वैसे 60 की ज़रूरत है. ठीक है, तो मैं आपको बता रहा क्या हूँ कि लोग क्या करते हैं, वो स्ट्रैटेजी नहीं बनाते. वी हैव टू प्ले रियली वेरी स्मार्ट गेम. जिस तरह से आईसी हमारे साथ में स्ट्रैटेजी प्ले करता है ना, एक पेपर डिफिकल्ट, एक पेपर इजी, ऐसा इसमें, उसमें वैसा, घुसेड़ घुसेड़ के पूछते हैं आपको. ये पेपर जो आते हैं ऐसे वैसे नहीं आते, बराबर टैक्स को कैसा डिफिकल्ट दिया इस बार, ये पूरा गेम प्लान होता है. चारों पेपर को साथ में रखा जाता है, फिर देखते हैं इसमें कितना स्कोर कर लेगा रे वो. 60 करेगा, अकाउंट में 60 आ रहे, ए टैक्स को डिफिकल्ट निकाल, 30 आना चाहिए. आपको क्या लगता है, यू आर ट्रीटिंग ऑल द सब्जेक्ट्स इंडिविजुअली. आईसीएआई के लोग चारों पेपर को साथ में रखते हैं बिकॉज दे हैव टू रेगुलेट द रिजल्ट ऑल्सो. सबको थोड़ी ना पास कराएंगे भे, इतने लोगों को थोड़ी ना जॉब मिलेगी, सब सब सारे पास हो गए तो इज्जत भी तो खत्म हो जाएगी. वो बराबर से स्ट्रैटेजी करेगी, एक डिफिकल्ट एक ईजी, एक डिफिकल्ट एक मॉडरेट, ताकि बराबर से आपको अटका दे. पर हमारी स्ट्रैटेजी डिफेंसिव बराबर होना चाहिए. वी शुड नो हाउ टू टैकल. जब पेपर डिफिकल्ट आए, अपने इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा था, क्रिकेट देखते हो, वो कौन है, शाहीन अफरीदी है, बराबर है, वो फास्टर बॉलर जिसने हमारी वाट लगाई थी. हर बॉलर को क्रिकेट खेलता है कोई, नोबडी प्लेस क्रिकेट यार. एक अरे नॉर्मल क्रिकेट कौन खेलता है, मैं रणजी की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल क्रिकेट खेलते हैं ना अब, समझता कितना लोग क्रिकेट समझता है. हाँ बेस्ट है, बहुत आगे जाएंगे. मुझे इतना ही बोलना है कि जब लोग क्रिकेट खेलते हैं, बेटा खड़े हो जाए, आप क्रिकेट की बात कर रहे थे, क्या खेलते हो आप? बहुत अच्छा लगा सुन के. बैट बैटिंग करते हो, बैटर हो, बैटर ऐसा लेवल पे खेले, डिस्ट्रिक्ट स्टेट वगैरह, अच्छा क्रिकेट खेलते हो, ठीक है. बेटा एक सवाल, क्या नाम आपका? सागर. कुटला इस अमरावती जाएगा, ठीक है. सागर अमरावती हमारे बीच में उपस्थित है. सागर दो टाइप के बॉलर आते हैं, एक सिंपल बॉलर है और एक शाहीन अफरीदी है. तो आपको सबको मारना है या कैसे कैसे खेलोगे आप? हाँ ध्यान से खेलना पड़ेगा, जो अच्छा बॉलर उसको ध्यान से खेलना पड़ेगा. क्या बोला? हर बॉलर को मारना नहीं होता. आपको कभी कभी ये भी देखना है कि रोहित शर्मा भी डिफेंस करता है, तो हमको भी समझना चाहिए रोहित शर्मा विराट केएल राहुल भी अगर डिफेंस करते हैं, जो वर्ल्ड के टॉप रैंकिंग के प्लेयर्स, तो हम लोग कौन कौन सी खेत की मूली है हम लोग? हर पेपर में ठोकने का नहीं होता. कुछ पेपर आएंगे ही ऐसे कि जो आपकी वजन डंडा उखाड़ के लेके जाएंगे आपको, और आपको उसमें सिर्फ 40 निकालना है, अपने ओवर खेल के निकालना है. शाहिद अफरीन के बॉलर अफरीदी जो भी है, शाहीन अफरीदी के, उसमें अगर आपने ओवर खेल लिया तो आपकी जीत गए, आउट नहीं हुए तो जीत गए. वैसे कुछ पेपर में, हर पेपर में 60 लाऊंगा ये सोचना भी गलत है, बिकॉज आप डिसअपॉइंटेड हो जाओगे. क्योंकि आपको लगा यार मैं तो सोचा था, आपने सोचा जरूरी नहीं कि पेपर वैसे आएगा. तो आपको ये देखना उस समय कि मैं 40 कैसे लेके आऊं. पर जब पेपर अच्छा आया, वो बॉलर अच्छा आया, तो 6 बॉल पे 6 छक्के जड़ने की भी आपकी ताकत होना चाहिए. तो आपको पहले पेपर देखना है ये डिफेंसिव है या अटैकिंग है. दो दिमाग, अटैक डिफेंस दो बातें होना चाहिए. अटैक है कि डिफेंस से पहले 10 मिनट में समझ जाता है अपने को, ये क्या, ये अपनी विकेट लेना क्या बजाने का है. 15 मिनट देती है उसके लिए डिसाइड करने की अटैकिंग है या डिफेंसिव है. अगर लगा ये अपनी बजाने वाला है, तो चुरा चुरा के 40 मार्क कैसे आएंगे वो ध्यान रखना. और लगा पेपर अपना ही है, माहौल है, तो फिर तो ऐसा हैंडराइटिंग, ऐसा प्रेजेंटेशन, ऐसा आग लगा देंगे ना उसमें, 80 नंबर आना चाहिए. समझ आ रहा है? तो हमारे पास में 4 में से 2 पेपर आएंगे अटैकिंग. समझ आ रहा है आपको? ओके चलो, अब शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ते एवरीबॉडी. चलो आज का
शुरुआत करने का समय आ गया। ठीक है एवरीबॉडी, वेलकम बैक। सो वी आर मूविंग, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वी आर स्टार्टिंग विथ ESSM। सर अब तक क्या चल रहा था? अब तक ज्ञान चल रहा था, ऐसा ज्ञान जिसके जिसके उसूलों से हमारे आने वाले समय कटने वाला है। आज का फर्स्ट डे अगर मैं डायरेक्टली ESSM चालू करूंगा तो वो गलत हो जाएगा, पाप हो जाएगा। दिस इज नॉट द वे टू बी टॉट। कभी आप किसी जिम में जाते हो ना पहले दिन, तो डायरेक्ट नहीं मार साले 100 किलो का वेट, वो दूसरे दिन आएंगे ही नहीं। कभी आप कभी क्रिकेट ग्राउंड पे कभी आपको सिखाते हैं ना, वो पहले वार्म अप कराते हैं। कोई भी कबड्डी खेलते हो ना, पहले वार्म अप कराते हैं। मालूम है कबड्डी का जो प्रो आता ना, प्रो कोच, हमारे क्रिकेट के मैचेस चलते थे उनके वो प्रो वाले खेलते थे वहां पे। तो कबड्डी तो दूर रह गई, वो कबड्डी सिखाते नहीं थे उनको। वो जितना ग्राउंड है ना, पहले 15 ग्राउंड के चक्कर मारो, पहले बॉडी को आप वार्म अप कराओ, ये कराओ, तब जाके कबड्डी चालू होएगा। कोई भी चीज जिंदगी में शुरुआत ऐसे ही होती है, यू हैव टू पहले उस माहौल को फील करो, उसके बाद में उसके अंदर धीरे धीरे करके अंदर तो जाना ही है। अब इसके डोंट वरी, बहुत आगे जाएंगे, विश्वास रखिए। ग्रुप टू इस बार आराम से निकलेंगे। ESSM शुरुआत करेंगे ES से। ES के लॉन्ग फॉर्म के बारे में बताएंगे आप। ES एंटरप्राइज, जरा कोई वर्चुअल में बताएगा मुझे, यहां पे लाइव स्ट्रीमिंग में, लाइव स्ट्रीमिंग में सुनना चाहूंगा यूट्यूब पे कितने लोग जुड़े हैं। 678 लोग, बहुत लोग CA इंटर ग्रुप 1 की एग्जाम दे चुके हैं। एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है। क्या बोला है? एंटरप्राइज, एंटरप्राइज नाम में लिखा, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। नाम से क्या लगता, क्या है ये? जैसे बच्चों आप अकाउंट्स में अकाउंट्स पढ़ते हो, टैक्स में टैक्स पढ़ते हो, तो ES में क्या पढ़ोगे आप? ES पढ़ोगे? अरे क्या हौला है क्या तुम? ES में ES पढ़ेंगे। ES में क्या पढ़ेंगे आप? क्या सोचकर आए थे आप आज? क्या पढ़ने जा रहा हूं मैं? कुछ तो भी पढ़ाएंगे, सुना तो है, पढ़ाता है बंदा। पढ़ाएंगे जो पढ़ाना है, मेरा काम है जा। वो क्या पढ़ाना है यही मैं सोच लूं तो फिर मैं क्या करूंगा? ब्लाइंड फेथ लगा दिए, जो पढ़ाना है पढ़ा दो भाई। क्या पढ़ने आया था, क्या सोच कर आए थे आप? बेटा खड़े हो जाओ, बहुत खुश लग रहा है तुम। कहाँ से आए आप? यहीं क्या बताए बढ़िया, क्या पढ़ने आया आप आज? क्या है इस सब्जेक्ट में, किसके बारे में हुआ, किस विषय पर हुआ? क्रिकेट के बारे में? किसके बारे में हुआ? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कुछ IT के बारे में हुआ? बेटा खड़े हो जाइए आप, बोलो बेटा क्या पढ़ने आया? टेक्नोलॉजी के बारे में। कहाँ से आए आप? वाराणसी से आए, उत्तर प्रदेश, बहुत स्वागत है आपका। वाराणसी बोल तो वही मतलब मोदी जी वाली। बहुत बहुत स्वागत है साहब आपका। कोई भी हमसे बोलने चालने में कुछ गलती हुई तो माफ करें, हम क्षमा चाहते हैं तहे दिल से, कहीं आप उधर हमारा कंप्लेन ना कर दो। क्या भाई साहब बोलेंगे, क्या करने आया था यहाँ पे? टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ने आया। ES में टेक्नोलॉजी पढ़ते, बिल्कुल सही है आपका। किसी का और कुछ कुछ ओपिनियन है? हाँ जी बेटा खड़े हो जाए। एंटरप्राइज लेवल पे इंफॉर्मेशन कैसे शेयर होती है उसके बारे में? ओके आप कहाँ से आए? हरियाणा से। कहाँ से? हरियाणा से। किधर? बहादुरगढ़ से आए, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दूर से आए, इंडिया के मैप पे हरियाणा ऊपर आता एकदम। मैप दिखा है इंडिया का? इधर महाराष्ट्र, गोवा, गोवा के बाजू में है क्या हरियाणा? अच्छी सुन देखा है। चलो तुम तो ऐसा लग रहा है स्वारगेट पे हरियाणा है, हरियाणा से आए। अभी वो 2200 किलोमीटर दूर से यहाँ पे आया बच्चा। कितना ट्रेन से आया? कितना एक कितना टाइम लगा? एक दिन लगा पूरा। कोई है हरियाणा से और इधर? पंजाब से। बेटा खड़े हो जाए, खड़े हो जाओ। पंजाब, पंजाब कहाँ से है? पंजाब से। बठिंडा, क्या बात है, एक बार ताले बजा दो। बहुत दूर दूर से लोग आपकी क्लास में मौजूद हैं। आप बेटा बठिंडा, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। अभी बहुत लंबा सफर है, ट्रेन का जर्नी भी वहां से, राइट? चलो
उम्मीद है हमारी क्लासेस जो है कोरोना होने के बावजूद भी चलती रहेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। ये हम सब प्रे करें भगवान से रोज, ये भगवान बोलो सब लोग हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ो चिचोरो, हे भगवान हमसे जो भी गलती हुई हो हमें क्षमा करना, हम कभी भी कोई भी एनवायरनमेंट के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। हमारे जिंदगी में जब से कोरोना आया जिंदगी बर्बाद हो गई, और बर्बादी हम नहीं देखना चाहते। हे भगवान आपसे प्रार्थना करते हैं कोरोना के पेशेंट्स और ना बढ़ने दे, और मेरी सीए इंटर की क्लासेस फेस टू फेस के माध्यम से पूरी क्लास होने तक बिल्कुल अच्छे से न रुकते हुए, बगैर किसी बाधाएं के, बगैर किसी लॉकडाउन के चलने दे। हे भगवान इतना कर दे बस, और कुछ नहीं मांगूंगा। आपको पता है इसके पहले दो बार मैंने सीए इंटरमीडिएट ग्रुप टू की क्लासेस चालू करी है, चालू करके बंद करी है, और जब भी ग्रुप टू आता है ना तो कोरोना आ जाता है। तो मेरा ग्रुप वन वालों से बहुत झगड़ा हुआ है, उनका हुआ ना तो कुछ नहीं होता, तो मुझे तो लग रहा है कोरोना से बचना है तो ग्रुप टू की क्लासेस बंद करना पड़ेगी, क्योंकि जब ग्रुप टू अनाउंस करते तो कोरोना बढ़ने लगता। देखो कोरोना के साथ में जीना पड़ेगा ऐसा मुझे अब लग रहा है। जितना मेरे खास लोगों से बात हुई बोलते 25, 26, 28, 30 कब निकलेगा, ये तो अभी कल फ्रांस में एक नया IHU नाम का कुछ नया वर्जन आया है। तो क्या जिंदगी हो गई बे, कितने अच्छे दिन थे हो, सलाम मास्क लगाओ, ये करो वो करो। अरे मेरी बेटी ने स्कूल तक देखी नहीं अब तक, उसको तो पता नहीं स्कूल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अरे यार हद होती है, जितने लोग लाइव स्ट्रीमिंग में हैं और जो फेस टू फेस करना चाहते हैं, ये लोग तो आए हैं यहाँ पे, इसको कोई चैलेंज नहीं। हम लोग तो सोचेंगे ही चलना चाहिए, बट बेटा इतने लोग घर पे हैं, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स दे वांट टू कम, बट हमने बोला अभी रुको जरा, दो चार आठ दिन में चीज़ें क्लियर हो जाने दो, तब तक आप लाइव स्ट्रीमिंग में देखें, एडमिशन लाइव स्ट्रीमिंग का ही ले। अगर आपको बाद में कन्वर्ट करना हो तो हम लाइव स्ट्रीमिंग से फेस टू फेस में कन्वर्ट करवा देंगे। जो स्टूडेंट यहाँ पे छात्र आए हुए हैं कोई चैलेंज नहीं है इसको, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हम लोग पढ़ेंगे जोरों से, और उम्मीद हमारी है कि पूरी क्लास ऐसी चलते रहे। पर जो लाइव स्ट्रीमिंग में है, लाइव स्ट्रीमिंग तो चलना ही, उसको तो वो अनस्टॉपेबल है, उसके लिए तो हमारा संपर्क होना जरूरी नहीं है। इनकेस दे वॉन्ट टू कन्वर्ट, हमने एक कॉन्सेप्ट लाया टॉप अप रिचार्ज, तो कन्वर्ट कर देगा, अपने टॉप अप कर देगा, तो वो लाइव स्ट्रीमिंग से फेस टू फेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी आपको लाइव स्ट्रीमिंग में एडमिशन दिला देंगे उनको, और जब बाद में मान लो जी सारे गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं है, कोरोना इतना भी जहरीला नहीं है, कुछ नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, तो आप टॉप अप लेकर अपना एडमिशन फेस टू फेस में करके पुनः आ सकते हो। ये बात आपको दिमाग में रखना है। आप अभी दो चार आठ दिन के लिए शांति रखिए, अपने आप को संभालिएगा, घर से ही देखिएगा, चीज़ें जब आसान हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएंगे, आप आ जाना। पर इसका मतलब नहीं कि आप घबराओगे, अब तो आ ही गए, तो अब तो तब सोचेंगे ना जब लॉकडाउन लगा, और हमने तो प्रार्थना भी की अभी, उम्मीद है कि ऐसा कुछ होगा नहीं। पर यदि हो जाए तो कुछ चीज़ें हमारे तो बस में नहीं, ना आपके ना मेरे, क्या कर सकते हैं। पर हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जब तक हमारी क्लास चलता चाहिए जब तक चलते रहें, उम्मीद है कि ऐसा कुछ रेगुलेशंस नहीं आना चाहिए। चलो ठीक है आगे बढ़े। ओके, AI सब्जेक्ट इज अबाउट टेक्नोलॉजी, इट्स अबाउट टेक्नोलॉजी, पूरा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी सिस्टम्स की बात करेंगे। एक जमाने में IT सब्जेक्ट हुआ करता था, इसके पहले IPCC में, इट वॉज नॉट रिलेवेंट टू एंटरप्रेन्योर। हमारे पास में वही टेक्नोलॉजी हमको सिखाई जा रही है जो टेक्नोलॉजी हमें बिजनेस के लिए काम में आ रही हो, समझ आ रहे हैं? तो आज के बाद में हम लोग इस क्लास के अंदर वही टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे और वही सिखाएंगे जिसका फायदा बिजनेस में होगा।
आईटी की दुनिया में इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, इतनी है, इतनी है, इतनी है, इतनी है, इतनी है, इतनी है कि 20-25 साल भी कम होंगी, इतनी टेक्नोलॉजी दुनिया में बन चुकी है। पर हमारे जीवन में उन्हीं टेक्नोलॉजी को आईसीआई ने डालने की कोशिश करी है जिनका फायदा धंधा करते समय होगी। अंडरस्टैंड करो, देयर आर सो मेनी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल इन दिस वर्ल्ड बट वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट एनी अदर टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट द टेक्नोलॉजी विच कैन बी यूज इन द बिजनेस और टू रन द एंटरप्राइज। बिजनेस करने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस को स्केलेबल करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, उसका उपयोग कैसे करते हैं, उसको आईसीआई ने सिखाया है। आईटी को इसीलिए बंद कर दिया जो आईपीसीसी का था, उसमें वाहियात टेक्नोलॉजी थी जिसका संबंध हमारे बिजनेस से नहीं था। यह जो सिलेबस बनाना ऑसम अमेजिंग, बहुत मजा आएगा। और जब भी आप इस सब्जेक्ट को पढ़ोगे, जो भी टेक्नोलॉजी आपको सिखाई जाएगी ना, आपने उसको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखोगे? आपने ध्यान रखना है कि कैसे मेरे अपने ड्रीम बिजनेस में मैं इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करूंगा। तो समझ जाना आप सही सोच रहे हो। अगर आप यह सोच रहे हो इसको मैं पढ़ के एग्जामिनेशन में कैसे लिखूंगा, तो आप जिंदगी में बहुत आगे नहीं जाओगे। आपको यह सोचना है कि यह टेक्नोलॉजी जो मेरा ड्रीम बिजनेस है, जो मैंने सोचा है जिंदगी मेरी चीज की कल्पना है कि मैं ऐसा बिजनेसमैन बनूंगा या ऐसा धंधा डालूंगा, तो कैसे उस धंधे में, कैसे उस बिजनेस में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मैं करूंगा, यह आपको हर समय सोचना है। ये जितनी भी टेक्नोलॉजी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये सारी टेक्नोलॉजी मैं अपने धंधे में यूज करता हूं, ऑलमोस्ट सारी। इसलिए मेरे को ये सारी चीजें आपको बताना भी आसान होती है, पर मैं आपको बता रहा हूं आज एसपीसी जो इस लेवल पर पहुंचा है, ये सिर्फ पढ़ाना अच्छा है इसकी वजह से नहीं, ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है इसीलिए। वी कुड मेक आवर बिजनेस वेरी स्केलेबल ओनली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। आज मैं यहां पे बैठ के पूरे इंडिया को पढ़ा रहा हूं। देखो यहां पे 600-700 लोग इधर बैठे, आप यहां बैठे, और बाकी जो लोग ऑफलाइन पढ़ रहे पेन ड्राइव, तो अलग ही गिनती है उसकी। इतने सारे लोग कैसे पढ़ेंगे? अगर मैं बगैर टेक्नोलॉजी के अगर सिर्फ फेस टू फेस ही पढ़ाऊंगा, तो मैं कितने बच्चों को पढ़ा लूंगा सर? 100-200। बट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी आई एम एबल टू स्केल इट अप सो मच। मेरे जैसा आम इंसान जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इतने अपने बिजनेस को ग्रो कर रहा है, तो वाई यू कांट एक्सपांड योर बिजनेस, योर डैड्स बिजनेस, योर रिलेटिव बिजनेस? थिंक अबाउट दैट। ये कैसे हम लोग आज, बताओ क्या आपको लगता है, कोई ऐसे 5 बिजनेस बताओगे मुझे जहां पर टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल हो रहा है? टेक्नोलॉजी बंद तो धंधा बंद। कोई बताएगा मुझे आप में से? कैन यू प्लीज नेम एनी 5 बिजनेसेस? देखता चाहूंगा चैट बॉक्स में भी, मैं रिप्लाई देखना चाहूंगा। कैन यू प्लीज टेल मी एनी 5 बिजनेसेस जहां पे आपको लगता है यहां पे अगर कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी होंगी ही नहीं तो धंधा बंद हो जाएगा? अरे बोलो यारो, 5 बिजनेस का नाम बताओ। सही जवाब देने पर हम आपको 500 रुपीज का इनाम देंगे। जल्दी से बताओ। तुम्हें हुआ क्या है? क्या आपको 5 धंधे नहीं पता? ऐसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बंद हो तो धंधा बंद होगा, तुमको समझ नहीं आ रहा कुछ? अरे कितने इजी एग्जांपल्स है, आपके आसपास देखो, आपको सारे बिजनेस में कंप्यूटर ही नजर आता होगा। 5 बताओ, एक एक मत बताओ। ऐसे अब बेटा खड़े होते आप, अमेजॉन यानी कि ई कॉमर्स बता दूं? ई कॉमर्स अमेजॉन जैसा धंधा चलेगा ही नहीं अगर कंप्यूटर्स होंगे नहीं। नेटफ्लिक्स, बिल्कुल सही। यानी कि बेटा ऐसे एग्जाम्पल दे रही हूं मस्त है। OTT प्लेटफॉर्म पूरा, ये जितना भी सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक गूगल जैसी कंपनियां बंद हो जाएगी। जोमैटो यानी कि जो अपने ऑनलाइन रेस्टोरेंट्स है फूड डिलीवरी, वो बंद हो जाएंगे। और लास्ट एक बता दो बेटा, ऑनलाइन क्लासेस। चलो ठीक है, एजुकेशन बोल दे हम लोग, एडटेक, सारी कंपनी जो एडटेक में है, बायजूस है, अनएकेडमी है, ये है, ये सारे धंधे बंद हो जाएंगे। अरे बोलो यार, समझिए। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स है जो आपको पता है पर आप बोल नहीं रहे। बैंक्स, यू कैन नॉट इमेजिन द बिजनेस ऑफ बैंक। आप बैंक में जाओ किसी आंटी को, अगर हमने बिना बैलेंस बताओ आंटी, वो आंटी कंप्यूटर के बारे में बैलेंस नहीं बताएगी। यू आर एबल टू यूज UPI एवरीथिंग नाउडेज ऑन मोबाइल, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट? टेक्नोलॉजी।
हॉस्पिटल्स, वो पेशेंट बाद में अंदर जाएगा, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा वहां पे उसके कंप्यूटर में, बराबर है। यहां तक कि आज रोबोट्स ही ऑपरेशन कर रहे हैं। और बताए ऐसे बिजनेस, रेलवे, पूरा रेलवे सिस्टम, पूरा IRCTC का बुकिंग, भाई एवरीथिंग इज हैपनिंग थ्रू, ये तत्काल वगैरह कहां से होता है ये सब कुछ ऑनलाइन। ये पूरा एयरलाइन सिस्टम का बुकिंग पूरा ऑनलाइन चलता है, PVR, आईनॉक्स पूरा ऑनलाइन है भाई। और इंफोसिस, TCS जैसी ऑर्गेनाइजेशन बनी उसी के लिए, उनका धंधा ही बंद हो जाएगा अगर IT बंद हो जाएगा। इंफोसिस, TCS, विप्रो, L&T इंफोटेक, HCL, क्या है सब ये? ये सारे आप सोचो ना, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें चल रही है, आई मीन गिने चुने छोड़कर एवरीबडी इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट। सोचने की बात है, मेरी बातों को समझिए। किसी मॉल में आपने एंटर किया, मॉल गए हो कभी? कोई भी शॉप में एंटर करिए आप, लेवाइज गए आप, कोई भी CK के ब्रांड में गए, लिटिल बी एनी ब्रांड, ओके, ज़ारा में गए, वो जब बिलिंग करते हैं उसमें एक सॉफ्टवेयर होता है, बट दैट इज नॉट द ओनली ब्रांच, देर हैविंग हंड्रेड्स ऑफ ब्रांच। हो सकता है उनका जो हेड ऑफिस है वो इंडिया के बाहर हो, हजारों ब्रांचेस का हिसाब किताब वो सब कुछ मैनेज कर पाते हैं ओनली थ्रू ERP सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर्स। कोई मालिक थोड़ी ना आके बैठता है सर। कभी आपने डीमार्ट के दुकान पे, डीमार्ट के मॉल पे डीमार्ट देखा है कभी? कौन है ओनर डीमार्ट का? राधा किशन दमानी को आपने कभी डीमार्ट में बैठे हुए देखा है? पर हमारे पापा को अपने अपने दुकान में बैठे हुए देखा है? क्या बात करना चाहिए, हमारे पापा अपने दुकान में बैठते हैं और दमानी नहीं बैठता। क्यों नहीं बैठता है वो? बिकॉज वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, सोता है आराम से, उठता है आराम से, फिर भी दुकान चल रही है। कभी डीमार्ट कभी गए हो? क्या भीड़ होती है वहां पे? कैसे मैनेज हो रहा है इतना बड़ा धंधा? ओनली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। उसको क्लिक पे दिखता है कि मेरे कौन से स्टोर पे कितना माल पड़ा हुआ है, कौन से स्टोर पे कितना सेल हुआ है। इस तरह की टेक्नोलॉजी लगाते हैं तो डीमार्ट की हंड्रेड्स ऑफ स्टोर्स पूरे इंडिया में चलते हैं। वरना हम जैसे सोच जो है ना, हमारी ट्रेडिशनल सोच, हमारी सोच क्या है मालूम क्या? एक अगर बच्चा हुआ घर पे तो बोलते एक ब्रांच खोल देंगे, दो बच्चा हो तो दो ब्रांच खोल देंगे, तो पापा एक दुकान चलाएंगे, दो ब्रांच और खुल जाएगी, चलो तीन ब्रांचेस हो गई। मैकडोनल्ड्स के 32,000 ब्रांचेस है। हमारे इंडिया की बुद्धिमत्ता से इनके इसमें कितने बच्चे चाहिए? जो मुश्किल ही नहीं, बच्चे कितने पैदा करना वो जरूरी नहीं है, आपने टेक्नोलॉजी कैसे लगाए वो जरूरी है। आप समझो ये सब्जेक्ट की जो कैपेबिलिटी है ना, इट इज वे बियॉन्ड। आपको यूनिकॉर्न समझता है? कितने लोगों को यूनिकॉर्न समझता है? और इसका जवाब दिया ना, बहुत आगे जाओगे बेटा। वैसे आप 500 रुपीज का इनाम जीत चुके हैं। क्या नाम है आपका जी? अनुराधा। कहां से है आप? अनुराधा फ्रॉम जलगांव। आप 500 रुपीज का एक बार अनुराधा के लिए तालियां बजा दो। क्या बात, सुपर। कोई बच्चा कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है सर ये जो क्या नाम है, SBI के तो 65,000 ब्रांचेस है। बिल्कुल सही है। आप मुझे बताएं क्या मैं सवाल पूछ रहा था आपको? यूनिकॉर्न किसको समझता है? आपको समझता है? आपको समझता है? क्या बात है बेटा, खड़े हो जाइए। क्या होता है? क्या बात है मेरे बच्चे, शेर, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। जिस कंपनी का वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा हो जाता है। क्या बोला मैंने? $1 बिलियन बेटा, यानी कितने पैसे? आज के भाव के हिसाब से 7,500 करोड़ रुपए। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इन दिनों में इंडिया के अंदर जितने भी यूनिकॉर्न कंपनीज बनी है ना, मोस्ट ऑफ द कंपनीज, या फिर मैं कह सकता हर एक कंपनी, वो कंपनी जो टेक कंपनी, टेक, TECH, टेक यानी कि टेक्नोलॉजी कंपनी है। समझ के लीजिए, बात पैसे की है। यूनिकॉर्न कंपनी, अरे यार, जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है। हाल ही में नायका का है, नायका का IPO आया, नायका है, Paytm है, और बताएंगे, जोमैटो है, ये सारे तीनों का बड़ा बड़ा IPO है। अगर मैं आपको यहां पे
ये दिखा दूं, सर आपको पढ़ाना क्या है? पढ़ाना ही है, मैं आपको टेक्नोलॉजी की औकात दिखा रहा हूं कि अगर आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी हो ना, इस साल 2021 में इंडिया के पास में बहुत सारे यूनिकॉर्न पैदा हुए जिसमें बहुत सारी कंपनीज है। आइए देखते हैं यूनिकॉर्न कंपनीज। I'm sorry. चलो देखते हैं क्या नाम है भाई इसमें से जो नाम पहचान के वो बताओ। अब स्टॉक्स, अब स्टॉक का वैल्यूएशन देखोगे $3.4 बिलियन यानी कि 25,000 करोड़ के आसपास। नो ब्रोकर पता है? नो ब्रोकर, नो ब्रोकर नहीं पता आपको कितना है नो ब्रोकर का वैल्यूएशन? नो ब्रोकर कितना है? ये कैसे बंद हो गया? नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया। आ रहा है, दिख रहा है, पर बहुत ही ऐसे दिख रहा है, ऐसा अंधेरा क्यों हो गया इसमें? अच्छा ये है, ऐसे हौला है। ये है नो ब्रोकर, ठीक है, दिखता है? कार्ड देखो, कार्ड देखो, कोई है क्या आपके पहचान का? कोई है क्या? वेदांत सुना है? ग्रोफर सुना है? कॉइन डी सिक्स सुना है? अपग्रेड? एक भी कंपनी मुझे बता दीजिए जिसका अस्तित्व टेक्नोलॉजी के बगैर है। आईसीआई आपको यहां पहुंचाना चाहता है, यह आपकी मंजिल है। आप आईसीआई के विजन को देखिए, वो समझा रहा है बच्चों पढ़ लो टेक्नोलॉजी, आपको यहां जाने मिलेगा। आपको ऐसी कंपनीज बनाना है तो आपको ये ईएस पढ़ना पड़ेगा, वरना मुमकिन नहीं है। ईएस एसएम के बगैर यहां जाना, ये सब टेक्नोलॉजी कंपनीज है सारी है। क्या आपको लगता है ये वेदांत तो टेक्नोलॉजी कंपनी है? पूरा ऑनलाइन एजुकेशन है, अरे है कि नहीं? अपस्टॉक्स, ये ग्रोफर्स, वो ग्रोफर्स का कुछ नया नाम है, ब्लिंकिट कुछ नाम है उसका ना, ग्रोफर्स का कुछ, ग्रोफर्स जानते हैं? ऑनलाइन ग्रोसरी है वहाँ पे, भारत पे। अब जरा देखेंगे हम लोग। अर्बन कंपनी सुना है? ग्रो, अरे ग्रो का ऐड आता है ना वो, क्रेड, फार्मेसी, फार्मेसी क्या है? ऑनलाइन मेडिकल है। क्रेड क्या है? ऑनलाइन है, सब टेक्नोलॉजी है। आपको समझना चाहिए क्रेड का वैल्यूएशन $4 बिलियन का है बच्चों, 4 बिलियन। अगर हम लोग पूरी पुष्टियाँ भी लग जाए ना हमारी, तो ये वैल्यूएशन नहीं आएगा हमको। 5-5 साल के अंदर इन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतना वैल्यूएशन कर लिया। इसका यह मतलब है कि जो लोग जिनकी खानदान रईस नहीं थे वो लोग भी यहाँ पे पहुँचे, यानी कि हमें बहुत कुछ सिखा के जा रहा है। यानी कि एक ही ज़िंदगी में अगर हमारे पापा दादाजी अगर पैसे वाले नहीं भी थे ना, इनके ना पापा ना दादा कोई रईस नहीं था, इन्होंने अपने जीवन का निर्माण खुद किया, ये वो सारे लोग हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको समझ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? अगर आपको लग रहा है ना मैं ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, अपना कौन है? इनका भी कोई नहीं था, इनका सिर्फ टेक्नोलॉजी था, और जिसकी बदौलत यहाँ तक पहुँचे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ओके ज़रा देखिए क्या है। डिजिट सुना है? स्टेक है विराट कोहली का इसके अंदर, पता है? डिजिट इंश्योरेंस कंपनी है, विराट कोहली है भाई, ये $3.5 बिलियन की कंपनी है इसकी, वापस से 25,000 करोड़ की कंपनी है। और विराट कोहली का जो भी होगा स्टेक उसमें, मान लो विराट कोहली का 10% भी स्टेक होगा, तो विराट कोहली 2500 करोड़ का इंसान तो वहां भी बन गया। एक भी एग्जाम्पल इसमें से बता दीजिएगा जो बगैर टेक्नोलॉजी का है। यहाँ पे वो टाइप के लोग हैं जिनको टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है,
और यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जिनको टेक्नोलॉजी पसंद नहीं है। दो टाइप के लोग मौजूद है इस क्लास में, जिनको अच्छा लगता तो उनको तो बल्ले बल्ले, उनको तो मजा आ जाएगा इस क्लास में, और जिनको नहीं अच्छा लगता ना, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, टेक्नोलॉजी से मोहब्बत करिएगा वरना जिंदगी का उद्धार कभी नहीं हो पाएगा। आज के इस युग में बच्चे पैदा नहीं हो रहे, डाउनलोड हो रहे। हम उस जमाने के लोग हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ यू डोंट लाइक टेक्नोलॉजी, इट इज योर प्रॉब्लम। आपको कंप्यूटर पसंद नहीं है, आपको सॉफ्टवेयर, ये आपका निजी प्रॉब्लम है। आपको टेक्नोलॉजी से मोहब्बत करना है, आपको यहां पे पहुंचना है। समझ आ रहा है? वो क्यों निकाल लिए? तो दो ना लाके अभी ये तो है ना, वैसे भी ये क्यों निकाल दिया आपने? ठीक है, चाय पिला दो यार। ठीक है ना, चलो आगे बढ़े। यही तो प्रैक्टिकल चीजें हैं। आपको अब समझ आए, चलो गैस पढ़ने इनके लिए गया, मैं भी अपनी $1 बिलियन की कंपनी लेकर आऊंगा। अभी हाल ही में एक बच्चे का एग्जांपल आया, उसको कुछ तो वैल्यूएशन मिला, 17 ईयर्स का बच्चा जिसने टेक्नोलॉजी से कंपनी बनाई, उसको कुछ तो मैंने पढ़ा है अभी 2-4 दिन पहले, मेरे को न्यूज आया था, उसको $200 मिलियन का उसको फंडिंग मिला है। समझ रहे हो क्या बोलना चाहता हूँ मैं? 1500 करोड़ का वैल्यूएशन मिला उसको, 17 साल का बच्चा है। 1500 करोड़, 1500 रुपये नहीं बोल रहा हूँ मैं। आपको ये सोचना है हमें यहां जाना है, और यही टेक्नोलॉजी आपको यहां ले जाएगा। राइट? ओके, आगे बढ़ने का समय आ गया। एआई इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी। हम लोग ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे ताकि हम लोग भी ऐसा बन पाए। इज दैट ओके? क्लियर है? कितने चैप्टर्स है इसमें? 5 चैप्टर्स। हाउ मेनी चैप्टर्स? हर चैप्टर का इक्वल इंपॉर्टेंस है। यस, कोई भी चैप्टर कितने भी मार्क्स के लिए पूछा ऐसा नहीं, हर चैप्टर का इक्वल 10-12 मार्क्स के लिए हर चैप्टर पूछे जाएगा। 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा, 50 का सॉल्व करना है। ऐसे में भी 60 मार्क्स का पूछेंगे, यानी पूरा पेपर 120 का आएगा। उसमें से भी अब याद रखिएगा, ये अगर हमारा ये अगर पेपर 100 मार्क्स का पेपर है, तो इसमें से 30 मार्क्स का पेपर आपका MCQ होगा और 70 मार्क्स का पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। समझ गए? ये आपका MCQ और ये होगा डिस्क्रिप्टिव। समझ गए? यानी कि इस सब्जेक्ट में स्कोर करना और भी आसान है। समझ आ रहा है? इस सब्जेक्ट में स्कोर करना और भी आसान है, बिकॉज इसके अंदर MCQ के 30 मार्क्स है। अगर हम लोग यहाँ पे ही 20 से 25 मार्क्स स्कोर कर लेना, और ये 70 में से अगर हमारा इंग्लिश खराब है, हमारा हैंडराइटिंग खराब है, मान लो दुनिया की चीज़ें खराब है, अगर हमने ऐसे 35 स्कोर कर लिया, तो आपको 60 से कोई नहीं रोक सकता। ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमें इस बार अवेलेबल करवाई, पिछले 2 अटेम्प्ट से MCQ पहली बार यहाँ पे है, इसके पहले MCQ था ही नहीं। ठीक है, तो एकदम क्लियर है, ये सारी चीज़ें सॉर्टेड है। स्कोर करना है, मस्त एग्जामिनेशन लेकर आएंगे। चलो आगे बढ़ेंगे, डन। अभी हम लोग शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के साथ में, एक नई चीजें पढ़ेंगे हम लोग यहां पे। ये 5 चैप्टर्स आपके सामने देख लीजिए एक बार, दिस आर द 5 चैप्टर्स। ओके, हम लोग आज शुरुआत करेंगे चैप्टर 4 के साथ। ओके, विल बी स्टार्टिंग चैप्टर 4। नाम क्या है? ओके, क्या पढ़ेंगे हम लोग इसमें? ई कॉमर्स बोले तो यहाँ पे हमें पढ़ना है ई कॉमर्स। आपने कभी ई कॉमर्स, जैसे इन्होंने कहा अमेजॉन है, डू यू नो एनी 4 or 5 कंपनीज विच आर इनटू ई कॉमर्स? सर अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, नाइका है, बहुत है, कितने अलीबाबा एक है, कुछ तो बिग बास्केट है। इंडिया का फेमस कौन सा है बताएंगे? इंडिया का मार्केट शेयर किस कौन से कंपनी के ज़्यादा है? पहले फ्लिपकार्ट का हुआ करता था, पर जेफ बेजोस से सुनता किसकी है नहीं। इंडिया में आज के तारीख में मार्केट शेयर सबका ज़्यादा
अमेजोन का है, बाद में फ्लिपकार्ट का है, ठीक है। इस चैप्टर का नाम जो रखा है ई कॉमर्स, एम कॉमर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ऐसा रखा हुआ है। यानी हम लोग ई कॉमर्स पढ़ेंगे, एम कॉमर्स पढ़ेंगे और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पढ़ेंगे। इमर्जिंग का अर्थ बताओगे? उभरता हुआ, इन दिनों में लेटेस्ट, अपकमिंग। आईसीआई ने देखा क्या कितना मस्त काम किया है। ये चीजें देख के बहुत खुश किया मुझे, सही तो है यार। बच्चों को सिखाना जरूरी है इस चीज के बारे में, जिसका नाम है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। मैं आपको दिखाता हूं, ये मेरी एक बुक है जिसका नाम है रॉक्स। सर कितनी किताबें देंगे आप हमें पढ़ने? बेटा एक सेट लेकर आओगे नीचे, ईएसएम का पूरा सेट लेकर आओ। चलो ठीक है। कोई भी जब चैप्टर स्टार्ट होता है ना, उसका पहले उसका एक मास्टर चार्ट दिया जाता है कि उसके अंदर हम लोग क्या पढ़ाएंगे। इस तरह से चार्ट पहले दिया जाता है उसमें। ये चैप्टर फोर का चार्ट है, मैं इसको ठीक करता हूं। इसे कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट होगा, सर कितने पेजेस की रॉक्स की बुक है? ये जो रॉक्स की बुक है सिर्फ 100 पेजेस की है, उसमें पूरा ईएस खत्म है। और अगर मैं आपको साथ में यहाँ पे एसएम का रॉक्स बताऊंगा तो ये केवल 60 पेजेस का है। इसमें 8 चैप्टर्स है। हर चैप्टर के स्टार्ट में इस तरह से चार्ट दिया होगा और फिर यहाँ पे इस तरह से उसको एक्सप्लेन किया, ये चार्ट और एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। सर पूरा सिलेबस 150 पेज में हो जाएगा? 150 पेजेस में पूरा का पूरा सिलेबस इसमें सबमिट कर दिया हुआ है। इतना पढ़ लोगे हम पास हो जाएंगे, अमेजिंग। पास्ट एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आरटीपी में कैसे, ये कॉन्सेप्ट को आरटीपी में कैसे पूछा हुआ है, आईसीएआर ने को इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है क्या, ये क्वेश्चन जनवरी 2021 में ऐसा पूछा हुआ है, ये बुक के अंदर ही होगा। इस सिलेबस में बहुत सारे पॉइंट्स भी याद करना होते हैं, उसकी मेमोरी टेक्निक्स भी यहाँ पे दी हुई है, ठीक है ना। सारी की सारी बुक ऑलमोस्ट आपको कलरफुली मिलती है, पर 150 पेजेस को नहीं पढ़ेंगे हम लोग, हम पढ़ेंगे 400। हमने क्या किया, मॉड्यूल को यूज किया है और मॉड्यूल के ही डेटा को पूरा मेन सोर्स माना है। हम जब क्लास में पढ़ेंगे तो हम लोग इस बुक से पढ़ेंगे जिसका नाम है ये वाला। अब देखो ये हमारी मेन बुक है जिसके ईआईएस के पेजेस ही और एसएम के पेजेस ही दोनों मिला के इट इज 400+। तो सर जो पहले रॉक्स बताई थी, वो रॉक्स का इस्तेमाल हम लोग क्लासेस होने के बाद करेंगे रिविजन के लिए। क्लासेस के साथ साथ भी मैं रिविजन उसी से कराऊंगा, चार्ट्स वहां से ही कराऊंगा। जरा ईएस का बुक बताओ मुझे, ईएस का मेन बुक ये देख लीजिए, ये मेन बुक है। इस तरह से आपको मेन बुक दी जाती है, ठीक है। ये सब मेन है, आपको रोज यही बुक आपके साथ में चाहिए, मुझे ये बुक आपके साथ में चाहिए। उसके साथ साथ में ये है, यहाँ पे लिखा देखो मॉड्यूल 1 और यहाँ पे लिखा है मॉड्यूल 2। ये पूरा के पूरा मिला के, ये पूरा जरा रॉक्स बताना ई है इसका, ये पूरा मिला के, ये पूरा मिला के ई है। पर रिविजन करने के वास्ते उसका रॉक्स लेकर आए, पता कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है बहुत, ये इसका 30-40% हो गया है। क्योंकि पढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे ये भी तो ध्यान रखना है ना, क्लास के बाद में आप अगर ज्यादा बार रिवाइज करो तो और फायदा होगा। तो इसके लिए ऐसी बुक बना के दी, तो आपको नोट्स कुछ भी नहीं बनाना, नोट्स मैं ही बना के दूंगा आपको, आपको सब कुछ खाना पका के दूंगा, आपको सिर्फ खाना है। यू डोंट हैव टू मेक दिस नोट्स, इट इज डन। ये सारी किताबें आपको, ये भी इससे पढ़ाऊंगा मैं क्लास में, कभी कभी इसको भी पढ़ेंगे हम साथ में जो चैप्टर में ईजी लगते हैं, बट मोस्टली चीजें यहां से कवर होती है डिटेल्ड में, और फिर यहां से फिर उसको रिविजन किया जाता है। अदर इसके वो बताओ, एसएम दिखाओ। अच्छा एक काम करो आप देखो, ये खोल दो उसको, आपको वॉल चार्ट दिखा रहा हूं। इधर पकड़ लो, उधर से जाओ, उधर थोड़ा सा। कौन सा चार्ट है ये? 2 लिखा है ना यहाँ। अच्छा इसे 3 चार्ट आपको दिखेगा यहाँ पे, ये 1 दिख रहा है यहाँ पे, ये पूरा ईआईएस इसके अंदर संक्षिप्त में एक 400 पेज, मतलब अगर मान लो ईआईएस के पेज 300 मान लो,
300 बेस ईएस के। अगर उसका हम लोग रॉक्स पढ़ेंगे, रॉक्स 100 पेज का, आपको लगता है इतना नहीं पढ़ना मुझे, तो आपको सिर्फ 2 पेज पढ़ना है। देखो जिसको जैसा लगता है वैसा, किसी को 3 घंटे की मूवी पसंद है, किसी को 2 मिनट का क्लिप पसंद है, डिपेंड करता है। डेटा सब कुछ इसमें ही लिखा है, पर कभी कभी तुम पुराने पर क्लास में मैं ये पढ़ाऊंगा ये उम्मीद मत करना। ये सब रिविजन्स के अवेलेबिलिटी उपलब्धि करवा के दिए ताकि आप कभी इससे रिवाइज कर लो, इससे बोर हो गया इससे कर लो। अब सबका एक फ्लेवर अलग है, समझ आ रहा है, इससे अलग मजा है। तो इसको घर पे जाके आप दीवार पे चिपका देना, राइट। जरा एसएम का बताओ भाई, मोबाइल आपका है क्या? इधर बैग में दे दो। अलार्म है? अच्छा ठीक है, एसएम का दिखाओ क्या है। ये ईएस का ही दिख रहा बार बार, ये एसएम का, ये रख दो, ये रख दो दोनों। ये पूरा एसएम इसमें सीमित है, इतना पढ़ोगे एसएम के 8 चैप्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब मेरे को एसएम की मेन बुक दिखाओ। फर्स्ट डे तो मुझे बताना जरूरी है आपको कौन सी किताबें साथ में लाना है, मैं पढ़ाऊंगा कैसे। ये पूरा के पूरा एसएम है, ये एसएम का इतना ही किताब है, 100 कितने बनने होंगे, 100, 120, 125 होंगे, ठीक है ना। ये पूरा के पूरा एसएम है। आप एक काम कर रहे हैं एसएम रॉक्स दिखाओ, और अगर आपको इतना 120 पन्ने नहीं पढ़ना है तो ये 60 पेजेस का आपको एसएम पढ़ना है, पर क्लास में मैं पढ़ाऊंगा इससे, रिविजन करेंगे हम इससे। इसका चार्ट का और एक हमने चार्ट बुक भी बनाया, वो ठीक है। आपको बता देना चाह रहा हूँ सारी की सारी किताबें कलर्ड होती है, एक क्वेश्चन बैंक दिखा देना। हाँ ये वाला, ये क्वेश्चन बैंक होता है जो ब्लैक एंड व्हाइट आपको दिख रहा है, और ठीक है कोई बात नहीं। ये देखो ये क्वेश्चन बैंक हमने बनाया हुआ है कि आईसीएआई ने आज तक अलग, अगर देखना है आरटीपी में, क्वेश्चन बैंक में, पास्ट पेपर्स में क्या पूछा है वो, इसके 2 अलग किताबें और बनाई हुई, तो ये भी आपको दी जाती है, इसमें क्वेश्चन आंसर पूरे दिए जाते हैं, ठीक है, ये भी क्लियर है, ओके। तो इस तरह से 9 बुक्स आपको चाहिए रहती है। रोज़ आपको मेन बुक्स लाना है, मेन बुक्स यानी कि आप एक काम करना, फिलहाल मुझे आपका क्या चाहिए रोज़ क्लास के अंदर जो मैं आपको बोलता हूँ, मुझे चाहिए ईएस का वॉल्यूम चाहिए, एसएम बिल्कुल मत लाना अभी क्योंकि एसएम की तो अभी ज़रूरत है नहीं, और रॉक्स देना बस। अभी इतनी 2 ही किताबें आप रोज़ लाओगे, ठीक है, ज़्यादा लाना क्योंकि एसएम तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, यही पढ़ाऊंगा। इसका मॉड्यूल 2 तो नहीं पढ़ाऊंगा ना, अभी मॉड्यूल 1 तो ख़त्म होने दो, तो ये लेकर आएंगे आप, ठीक है ना, 2 ठीक है, डन, ये भी क्लियर। चलो आज के छोटा सा कॉन्सेप्ट, आपने कभी ये देखा है, आज हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है? सुना है किसी ने क्लाउड? आजकल सुनते वो बादल नहीं, क्लाउड डेटा स्टोर होता है। अच्छा किसने कहा डेटा स्टोर होता है? खड़े हो जाइए, डेटा स्टोर होता है इसमें, काइंड ऑफ कभी सुना था कहाँ पे? ऑनलाइन ड्यूटी ऐसा सुना था कभी, तो क्लाउड वगैरह था, ठीक है, ओके डन, ठीक है आप बैठ जाइए। ऐसा ही कुछ होता है सर, कुछ तभी क्लाउड होता है जहाँ पे डेटा स्टोर कर सकते हैं। इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आज के ज़िंदगी में है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं चलता। चलो आ जाओ मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। टैन टैन ठीक है, मैं आपको मेरे पास में कौन सा OTT है दिखाता हूँ। आपने नेटफ्लिक्स देखा है? आए हाय हाय, आपने और क्या देखा है? अमेजॉन प्राइम देखा है?
और क्या देखा? हॉट स्टार देखा। बहुत अच्छे अच्छे सीरीज भी आते हैं इसमें, पर कुछ वाहियात भी होता है, डिपेंड नहीं करता क्या मैं बोलूं उसके बारे में। राधे राधे हरिओम। बहुत कुछ दिखाते हैं इसमें। चलो मतलब कुछ तो, एक मूवी चल रही है पे। लेटेस्ट कौन सा ट्रेंडिंग चल रहा है इसमें? इसमें कुछ भी, चलो एक प्ले करता हूँ मैं। द बॉय नेक्स्ट डोर ऐसा कुछ लिखा है। इसकी चीजों को देखना भी अजीब है। एकदम शुद्ध मूवी देखता हूं मैं। ए जवानी है दीवानी, कोई रिस्क नहीं इसमें, मुझे पता है। ये देखो, ये जवानी है दीवानी, ये मूवी मैंने क्लिक पे चालू कर दी है। सर आप क्राउड पढ़ा रहे हैं कि जवानी दीवानी पढ़ा रहे? दोनों भी। नेटफ्लिक्स पे, नेटफ्लिक्स ने इस डेटा को, इस मूवी को जिस जगह पे रखा उसका नाम क्लाउड है। Did you understand? First concept clear है? वापस से I'll repeat. क्या बोला मैंने? Netflix ने इस डेटा को जिस जगह पे रखा है उसका नाम क्लाउड है। क्लाउड इज द प्लेस, क्लाउड इज द प्लेस विच इज एक्सेसिबल फ्रॉम एनी वेयर इन द वर्ल्ड, विच इज एक्सेसिबल फ्रॉम एनी वेयर इन द वर्ल्ड, एनी टाइम। क्लिक करो, देख लो जो चाहे वो। सर इसका मतलब क्लाउड एक जगह है। कभी आपने वेयर हाउस देखे जहां पे अनाज, ड्राई फ्रूट्स ऐसे कुछ फ्रूट्स रखते हैं? ये भी क्लाउड भी एक जगह है जहां पे अनाज और फ्रूट्स नहीं रखते, डेटा रखते हैं, सॉफ्टवेयर रखते हैं। पर सर हमारे घर पे जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर भी तो हम रख सकते हैं, फिर इधर क्यों रखते हैं हम लोग? बेटा आपके घर का जो हार्ड डिस्क है ना, वो आपके घर, मान लीजिए आपके घर पे कंप्यूटर है, अरे है नहीं है, या मान लीजिए इस लैपटॉप पे मेरे यहां पे क्या है, अगर मैं कुछ रखूं तो इसका डेटा इस यहां पे आके ही दिखेगा, वो दुनिया में कहीं और से नहीं दिखेगा। बट इफ द डेटा इज स्टोर्ड ऑन क्लाउड, इट बिकम्स एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आपने मोबाइल में फोटो खींचे, खींचे मोबाइल घूम गया, फोटो चला गया। बट कुछ लोग होते जिनकी आदत होती है वो गूगल फोटोज में जाके अपलोड करते हैं, वो ड्राइव पे रखते हैं, अपलोड करते हैं, बराबर बोल रहा हूं मैं? उसकी वजह से क्या होता है, वो डेटा जो है ना वो दुनिया में किसी भी और जगह से एक्सेसिबल हो जाता है। कभी किसने पिकासा ऐसा कुछ दिया? कोई भी ऐसा ड्राइव, गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव कितने लोग यूज करते हैं यहाँ पे? क्या फायदा होता है इससे? इफ द डेटा इज स्टोर्ड ऑन गूगल ड्राइव, although you don't have anything with you, by entering password and ID password from any other laptop, you can access your drive. India ke bahar ek bar main gaya tha, mera passport ghum gaya. So kya karunga main? Darne ki koi baat nahi, apne Google Drive pe apna passport hai. Wo bata kar at least main India wapas to aaya. Aapke is license ne aajkal aata na, kaun sa library aata? Digilocker, Digilocker. Wo kya cloud to hai? डिजी लॉकर यूज करते क्या आप? आजकल आया ना डिजी लॉकर का, बताओ आधार किधर है? तो डिजी लॉकर कॉन्सेप्ट ही यही है, क्लाउड है। चलो हसीन चीज देखते हैं। आपको मैं एक गाना दिखाता हूं, फिर आप बताओ गाना क्यों दिखाया। गाना पहले देख लेना, फिर मैं पूछूंगा गाना क्यों दिखाया, क्लास कौन सी चल रही है? Yes. फिर गाने क्यों दिखाए जा रहे हैं, क्या होगा इससे? YouTube पे हूं मैं इस वक्त, समझदारों को इशारा काफी है। कहां हूं मैं? दिखाने लायक है? 18 प्लस है, ठीक है। मतलब क्या करें जिंदगी में, बहुत समस्या हो गई आजकल।
आवाज ही नहीं रही, आ रही आवाज? ये गाना जो आपने देखा है, ये गाना कहां से आया है? ये पूरा का पूरा यूट्यूब क्या है? ये पूरा यूट्यूब, पूरा गूगल, ये सब कुछ क्या है? अरे गाना से मैं नहीं देख सकता हूं, क्या आप देख सकते हो आपके मोबाइल पे? मतलब ये सब डेटा यूट्यूब हैज केप्ट ऑन क्लाउड, दैट्स व्हाई इट इज एक्सेल फ्रॉम व्हाट एनीवेयर इन द वर्ल्ड. अगर यूट्यूब ये डेटा क्लाउड पर नहीं रखता, ना आपको दिखता ना मुझे दिखता है. अगर मैं आज गूगल पे जाके मान लीजिए किसी को भी सर्च करता हूं, मान लीजिए सनी देओल, हंस क्यों रहे हैं आप? सनी देओल को सर्च नहीं कर सकता हूं क्या मैं? सनी देओल को मैं क्लिक पे देख रहा हूं, कहां से है सनी पाजी? इसी तरह क्लाउड से है. क्या आपके मोबाइल पे सनी दिखेंगे? अपनी फेवरेट को लाते अपने आप, कोई भी देख सकता है किधर भी. क्या दीपिका जी दिख सकती है यहां पे? ऑफ कोर्स, नो प्रॉब्लम. कहां से आई है? बिल्कुल सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं. कहां से आए दोनों? आप ये समझ लीजिएगा, ये दुनिया में जितनी भी चीजें हम लोग देख रहे हैं, YouTube पे, Google पे, Google Drive पे, ये सब कुछ क्लाउड पे रखी जाती है. यानी कि मेरा आपसे एक सवाल है, क्या Instagram पे जो आपने कुछ पोस्ट किया हुआ है, क्या दुनिया में सबको दिखता है? तो क्या वो कहां जाता है? Whenever I post anything, it goes on cloud, और क्लाउड से दुनिया में सबको दिखता है. पूरे 10 पन्नों का कॉन्सेप्ट दिया है ऐसे ने भर भर के कि क्लाउड कॉन्सेप्ट है क्या. ये इतना ज्यादा फेमस है, आपको बता दूं कि ये जो मेरी क्लास लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, इट इज ऑल्सो हैपनिंग थ्रू व्हाट. अभी 4-5 दिन तो हम लोग यूट्यूब पर क्लाउड यूज करें जो फ्री वाला, क्योंकि स्टूडेंट्स को 4-5 दिन हम लोग मौका देते हैं. इसके बाद में हम लोग यूट्यूब बंद कर देते हैं, तो हम अपनी क्लास को कैसे चलाएंगे? AWS, आइए मैं दिखाता हूं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा, आपको लगता हो ना अमेजॉन जो ई कॉमर्स का है, आपको ऐसा लगता होगा कि अमेजॉन जो है, जो ई कॉमर्स का, उसकी वजह से जेफ बेजोस ऊपर गया है, ये आपकी गलत फहमी है. उसको सबसे ज्यादा कमाई AWS से है, अमेजॉन वेब सर्विस, वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्लाउड सेंटर. अरे जेफ बेजोस वर्ल्ड का वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन जो ना, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ अमेजॉन ई कॉमर्स, इट्स बिकॉज ऑफ अमेजॉन वेब सर्विसेस, वर्ल्ड का सबसे बड़ा, एरर फ्री, सीमलेस. क्या क्लासेस चलती है हमारी उसकी वजह से? हम यहां पे पढ़ाते हैं, वहां पे बच्चों को दिखता है. अपने ही एप्लीकेशन पे कौन कर रहा है? हमारा एप्लीकेशन अमेजोन को देता है, अमेजोन का क्लाउड अपनी जगह पे स्टोर करता है, स्टूडेंट वहां से देखते हैं. किसी स्टूडेंट का लेक्चर मिस हुआ तो क्या होता है मालूम है? हमारा डेटा अमेजोन के क्लाउड पे स्टोर हो जाता है, बाद में स्टूडेंट वहां से देख लेता है. और किसको दिखता है? जिसको हमने आईडी पासवर्ड दिया. यूट्यूब पे बोला सिक्योरिटी जरूरत नहीं, यूट्यूब पे ओपन पब्लिक है. अरे YouTube तो पब्लिक है ना, YouTube पे पैसा तो नहीं, पर हमने अपनी क्लास को पब्लिक नहीं किया ना. हम तो उनको आईडी पासवर्ड देंगे. अरे बोलो किसको देंगे? जिसने रजिस्टर किया हुआ है. ए गाइस कम ऑन, आइए, आज आपको देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है. नाम तो सुना ही होगा, AWS, बहुत बड़ी चीज है भाई ये. इसको बोलते हैं अमेज़न वेब सर्विसेस. कुछ भी करना है, मेरा तो बिल बनता है 4-5 लाख रुपए महीने का बिल होता है इसका. जितने इसका कैसा बिलिंग करता है मालूम है? कितना तुम डेटा स्टोर करते हैं, फिर कितने लोग वहां से देखते हैं,
वहां पे स्टोर होने का पैसा अलग, बैंडविड्थ अलग. देखो एक वाटर टैंक होती है उसका पैसा लेंगे अलग, पर जो जो पाइप है जिसके द्वारा पानी से घर पे आपके पानी आएगा, क्या मैं सही बोल रहा हूँ क्या मैं भाई? वाटर टैंक तो अपने घर पे नहीं होती ना, वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी ना कॉरपोरेशन की. तो क्या कहता है पानी रखा है उसकी भी पैसे लेता है. फिर वो वाटर टैंक से पाइप से आपके घर तक जो पानी पहुंचता है उसको कहते हैं इंटरनेट की भाषा में बैंडविड्थ. तो बैंडविड्थ का पैसा लेगा अलग, उसको डेटा रिलेइंग कॉस्ट बोलते हैं, स्टोरेज कॉस्ट बोलता है. ये पूरा अगर क्लाउड ही नहीं होता तो मेरा डेटा अगर वहां पे होता ही नहीं और मैं लेक्चर स्टोर करके इस लैपटॉप पे रख देता तो स्टूडेंट्स को दिखता कैसे? बिकॉज ये थोड़ी ना क्लाउड है. अरे बोलो यार. तो दुनिया में क्लाउड, ये देखो ये उसकी वेबसाइट है. आप जो चाहे प्रोडक्ट ऐसे उठा सकते हो. देखो ये सब पैसे लगा रखे उसने, बहुत पैसे रहे भाई. मेरे जैसा छोटा आदमी 4-5 लाख का बिल बना रहा है. सोचिए आप दुनिया में कितने बड़े बड़े लोग हैं. फ्लिपकार्ट इस पे है, मतलब नेटफ्लिक्स. मालूम है आपको प्रॉब्लम क्या हुआ था? नेटफ्लिक्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट कस्टमर ऑफ AWS. कभी देखना, बहुत झगड़ा हुआ दोनों का. और क्या कर लिया जेफ बेजोस ने, इसका एक कॉन्सेप्ट छोड़ा के अमेजोन प्राइम डाल दिया. ये चालू आदमी है बहुत. समझा के क्या किया इसने? एक्चुअली नेटफ्लिक्स क्या करा है, नेटफ्लिक्स ने क्या करा, सारे मूवी अमेजोन के क्लाउड पर लोड कर दिए. जेफ बेजोस बोला साला ये मेरा क्लाउड को यूज करके इतना पैसा बना रहा, काम करता हूँ ना मैं, वो मूवी लाके मेरे क्लाउड पे रख के पैसे बना रहा है, मेरा ही क्लाउड है, मैं ही अमेजोन प्राइम लाता हूँ. तो अमेजोन प्राइम उसके बाद में लॉन्च हुआ. तो नेटफ्लिक्स का ना इसलिए तो क्रॉस, अब नेटफ्लिक्स अपना खुद का क्लाउड बनाने वाला है. नेटफ्लिक्स का दर्द ये हो गया कि नेटफ्लिक्स का समय इतना बड़ा उसकी डिपेंडेंसी अमेजोन पे हो गई. अब उसके उसके मतलब दोनों कॉम्पिटिटर है एक दूसरे के, फिर भी नेटफ्लिक्स ने अपना सब कुछ काम अमेजोन पे रखा हुआ है. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? एक बात मैं पूछूं आपको, कभी आप ICA की वेबसाइट पे गए? आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि ICA क्लाउड यूज कर रहे हैं? कौन जवाब देगा इसका? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि ICA क्लाउड का इस्तेमाल करता है? कौन जवाब देगा मुझे? चलो जल्दी बताएं. यस यस, सब लोग यस बोल रहे हैं. यहां पे देखो नीरज शाह ही नहीं कर रहा कि यस. सब बोल रहे यस यस, बिल्कुल सही बोल रहे. सब लोग बोल रहे कि हाँ सर. दीपक सिन्हा कह रहा है यस. सब लोग कह रहे हैं. एक बच्चे ने जवाब दिया BOS. दीपक सिन्हा कह रहा है BOS ना, BOS बोर्ड ऑफ स्टडीज. ओके, BOS नॉलेज पोर्टल, उसमें हमारी सारी किताबें होती है. अरे कितना मालूम है, हमारे जमाने में क्लाउड था ही नहीं, तो वी वर टोटली डिपेंडेंट कि हमारे घर पे वो मॉड्यूल कब आएंगे. आजकल आते हैं क्या मॉड्यूल आपके घर पे? पर अगर नहीं है तो दर्द नहीं होता है. हमें नहीं आने पे दर्द बहुत था क्योंकि हमारे पास क्लाउड ही नहीं था जब हम CA कर रहे थे. तो अब क्या हुआ ना, अब डरने की कोई बात ही नहीं है. अब क्या हुआ, ICA ने अपना नॉलेज पोर्टल चालू किया, BOS नॉलेज पोर्टल. देखिए देख लीजिए, क्लिक कर जो देख लो, ये इंटरमीडिएट का सिलेबस डाल दो, पूरा के पूरा किताब आ गया आपके उसमें. यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक किया यहाँ पे आ गया आपका स्टडी मटेरियल. क्लिक करो, डाउनलोड कर लो, बस आ गया. कौन सा चैप्टर? चैप्टर 4 डाउनलोड कर लो. आ गया. कहाँ से आया डेटा? कहाँ से आए? यही तो क्लाउड है. फिर सर एक बात मैं आपसे पूछना, देखते आज का दूसरा सवाल, क्या क्लाउड नहीं है? हर चीज क्लाउड ही क्लाउड है. अरे बताओ भाई, क्लाउड क्या, हर चीज क्लाउड ही क्लाउड है. फिर क्या दुनिया में ऐसी कोई चीज है जो क्लाउड नहीं है? सर आप बोल रहे हैं इंस्टाग्राम क्लाउड, फेसबुक पे क्लाउड, गूगल क्लाउड, यूट्यूब क्लाउड, अमेजोन वेब सर्विसेज क्लाउड. क्या मैं ऐसा कह सकता हूं दुनिया की हर कोई वेबसाइट तभी पब्लिश हो सकती है जब वो क्लाउड पे जाती है? क्या swapnilpatni.com, अमेजोन, नाइका, दुनिया की कोई भी वेबसाइट, फ्लिपकार्ट, क्या सारी की सारी क्लाउड पर है? कौन जवाब देगा? आज का दूसरा क्वेश्चन, क्या आपको ये लगता है दुनिया की हर कोई वेबसाइट तभी दुनिया में दिखती है जब वो क्लाउड पर आती है, और क्लाउड पर नहीं तो वेबसाइट दुनिया को दिखती ही नहीं? क्या swapnilpatni.com, ICA.org, नाइका, फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसी वेबसाइट या कोई फ्लिपकार्ट जैसी, क्या सब क्लाउड पर अपलोड होती है? कौन जवाब देगा इसका? क्या आपको लगता है ये सब कुछ क्लाउड पर है? एवरीबडी प्लीज आंसर दिस. आपको लगता है ऐसे? हाँ बेटा खड़े हो जाइए. गलत जवाब. हाँ इधर कोई पीछे. अरे जवाब तो दो ना. मेरा सवाल यह है कि दुनिया की हर कोई वेबसाइट क्लाउड पर है क्या? हाँ बेटा खड़े हो जाइए.
दुनिया की हर कोई वेबसाइट क्लाउड पर ही है, ऐसा क्यों लगता है आपको? काय को दिखाना है किसी को? मतलब आपको लग रहा है कि फ्लिपकार्ट की वेबसाइट भी क्लाउड पर ही है? एक मिनट रुकिएगा, मैं आपके सामने फ्लिपकार्ट पे आता हूँ। ये फ्लिपकार्ट है, बराबर बोल रहे हैं? क्लिक कर दो इसको, क्लिक कर दो इसको। ये कहाँ से आया डेटा? ये क्लाउड पर डेटा होगा ये? बोलो भाई, आपके मोबाइल पे फ्लिपकार्ट दिख रहा है क्या? आपके लैपटॉप पे दिखेगा क्या? ना वो मेरे लैपटॉप पे है ना आपके लैपटॉप पे, डेटा क्लाउड पर है। यानी यूट्यूब का जो गाना है डांस मेरी रानी, ना आपके मोबाइल पे ना मेरे मोबाइल पे, वो कहाँ पे है? यानी कि ये फ्लिपकार्ट की वेबसाइट भी कहाँ पे रखी हुई है? ये अभी इंटरनेट के माध्यम से वो डेटा हमें यहाँ दिख रहा है। यानी कि ये बात क्लियर हो चुकी है। आप मुझे बताइएगा, क्या आपको लगता है क्लाउड को एक्सेस करने के लिए इंटरनेट लगता है क्या? सोच के जवाब। डू यू थिंक इंटरनेट इज वेरी इसेंशियल कंपोनेंट टू एक्सेस क्लाउड? क्यों? अभी मुझे सनी देओल को देखा मैंने, कल मुझे सनी लियोनी को देखना। डू आई नीड इंटरनेट कनेक्शन? क्यों चाहिए? मेरे पास गूगल है ना। अरे सर, गूगल खुलेगा ही नहीं तो कहां जाओगे आप? क्या नेटफ्लिक्स चलाने के लिए मेरे पास इंटरनेट चाहिए? यानी कि क्लाउड पे रखिए हर चीज को एक्सेस करने के लिए। बोलो यार, यानी कि क्लाउड, सर एक क्लाउड एक चीज, क्लाउड क्यों बोल रहे हो आप? क्या है क्लाउड, क्यों नाम है इसका? आपके दिमाग में इमेजिनेशन आ रहा होगा कि आसमान में इसके सर्वर तो लटकते नहीं होंगे किधर? कुछ जवाब देगा, क्लाउड दिखता कैसे हुआ? क्या होता है क्लाउड? आइए मैं दिखाता हूं। यही तो हम चाह रहे हैं कि आपको हम रियल लाइफ दिखाएं। AWS डेटा सेंटर। अब देखिए मजे जीवन के। देखना है, क्या लिख रहे हैं भाई? ये देखो भैया, क्या दिखा रहे हैं हम लोग। यह है गूगल डेटा सेंटर। अभी आपने सनी देओल को जो देखा या दीपिका पादुकोण को जो देखा, वो कहां से आए? इस बिल्डिंग से। ध्यान से देखना, बिल्डिंग जो आपके सामने आ रही है, एक मिनट यहां देखना, देखिए ये बस इसी जगह से सनी देओल आया था अभी। ये दिख रहा है, ये पूरा कैंपस दिख रहा है, वो बिल्डिंग दिख रही दूर, वो बिल्डिंग में हजारों सर्वर रखे हुए हैं। देखो ये सर्वर, ये बिल्डिंग दिख रही है, इसके अंदर सर्वर्स रखे हुए हैं। हम जब इंटरनेट से, जब सनी देओल लिखा तो हमारा रिक्वेस्ट इस बिल्डिंग में गया, फिर वहां पे उसने सनी देओल को सर्च करके हमारे यहां पे उसको लाके डिस्प्ले किया। ये पूरी बिल्डिंग जो है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, गूगल डेटा सेंटर, गूगल क्लाउड। क्लाउड इसलिए नाम दिया है, ये इमेजिन मत करना कि क्लाउड है यानी कि आसमान में सर्वर है, ऐसा नहीं। दुनिया की ऐसी कोई जमीन नहीं जिसका आसमान नहीं, दुनिया की ऐसी कोई जमीन ही जिसका क्लाउड नहीं। मतलब हर जमीन से क्लाउड दिखता है। अरे यार, किधर भी खड़े रहो क्लाउड दिखता क्या? इसका मतलब क्लाउड कहीं से भी एक्सेसिबल है। समझा क्लाउड का नाम क्यों दिया इसको? बिकॉज क्लाउड इज द लोकेशन व्हिच इज एक्सेसिबल फ्रॉम, कम ऑन यार, बट डज नॉट मीन क्लाउड वो क्लाउड है। इसका नाम क्लाउड दिया है, यानी कि वो बादल वाला क्लाउड नहीं। इसका नाम क्लाउड इसलिए दिया बिकॉज वो एक्सेसिबल कहीं से भी हो जाता है। हमारे लैपटॉप पे, हमारे मोबाइल पे जो डेटा रखा हुआ है, वो दुनिया में कहीं से भी एक्सेसिबल नहीं होता है, इसलिए वो क्लाउड नहीं है। मेरे ऑफिस में दो दो सर्वर रखे हुए हैं, उसमें बहुत डेटा रखा हुआ है, वहां का डेटा वहां पे जाने के बाद ही दिखता है, इसलिए वो क्लाउड नहीं है। पर जो डेटा मैंने गूगल ड्राइव पे रखा है, जो डेटा मैंने एसपीसी प्लेयर में रखा है, अमेजॉन की मदद से जब चाहे तब स्टूडेंट वो एक लेक्चर को वापस देख सकते हैं, उसका नाम क्लाउड है। swapnilpatni.com, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट, नायका की वेबसाइट, ये क्लाउड पर है, इसलिए दुनिया में कहीं से भी। ये देखिए,
देखो ये सर्वर से, देखो इसको बोलते सर्वर, ध्यान से देखना, दिख रहा है कुछ? क्या है सभी? ये सर्वर से जहां पे डेटा रखा जाता है, दिस आर दी सर्वर्स वेयर डेटा इज स्टोर्ड। ये अपने घर की जो हार्ड डिस्क है ना, ये हार्ड डिस्क का है, समझ रहा मैं क्या बोल रहा? ये 1 TB नहीं है, ये मिलियंस ऑफ टेराबाइट के वेबसाइट हार्ड डिस्क है, अपने घर के हार्ड डिस्क का था, ये छोटे छोटे ना 1 TB 2 TB, ये हार्ड डिस्क के बड़े पप्पा है ये। और वो ऐसे हार्ड डिस्क है जो कनेक्टेड टू इंटरनेट है, कनेक्टेड टू वेब है, जो दुनिया में अपने घर के हार्ड डिस्क वो क्लाउड नहीं हो सकती, बिकॉज वो मेरे घर के बैग में हार्ड डिस्क है, मैं यहां से चला लूं क्या? नहीं चलती, वो उसको लेकर आना पड़ता तब जाके चलती है, बराबर है? ये हार्ड डिस्क दुनिया में कहीं से भी चलती, इसलिए तो उसका नाम क्लाउड है। पर मेरे हाथ में जो हार्ड डिस्क है वो क्लाउड नहीं, बिकॉज वो दुनिया में कहीं से भी दिखती। मालूम है ये डेट, यहां पे अगर कुछ हुआ ना तो गूगल बर्बाद, ये बिल्डिंग गई तो गूगल आउट। इसलिए गूगल क्या करता हूं, गूगल हैज टेकन मेड 140 रेप्लिकास, 140 बिल्डिंग है ऐसी गूगल के पास वर्ल्ड के अलग अलग जगहों पर। अगर यहां पे अगर ट्रैफिक लगा तो कोई बात नहीं, दूसरे क्लाउड से डेटा आता, अगर वो बर्बाद होता दूसरी जगह से आता, इतना सारा उन्होंने काम किया हुआ है। ये देखो सर, इस तरह का माहौल है, ये सब यहां पे इंटरनेट की वजह से हम लोग यहां पे पहुंचते हैं, ठीक है? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज क्लाउड? एक बात मैं पूछना चाहूंगा, क्या क्लाउड स्केलेबल होगा? अमेजॉन वेब सर्विसेस का जो काम करने का तरीका है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल जैसा है, जितनी बिजली जलाओ उतना मीटर बढ़ेगा, उतना रेंट पे करना पड़ेगा, उसको क्या बोलेंगे? पे पर यूज, पे पर यूज, जितना यूनिट जलाओगे उतना पे करना, अमेजॉन का वैसा है। अगर हमारे बैच में 1000 स्टूडेंट है तो कम बिल आएगा, 1100 है तो ज्यादा आएगा, 1200 है तो और ज्यादा आएगा, बिकॉज जितने ज्यादा लोग यूज करेंगे उतना डिस्ट्रीब्यूशन, उतना क्लाउड का साइज बढ़ेगा। तो वहां पे होता है जैसा ना बिजली का बिल आता है ना, वैसा अमेजोन का बिल आता है एक, मैं आपको कल दिखाऊंगा कि देखो इतना इतना आपने यूज किया, इसलिए उसको बोलते पे पर यूज, यानी कि अगर आपने बिजली नहीं चलाई तो बिल नहीं आएगा, अमेजोन को यूज नहीं किया तो बिल नहीं आता। तो जितना भी आजकल ऑनलाइन स्ट्रीमिंग जो हो रहा है ना, ऑनलाइन लाइव क्लासेस, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, इट इज हैपनिंग ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। और अपन इस समय आज SPC में वर्ल्ड का बेस्टेस्ट यूज कर रहे हैं ताकि क्लासेस चलाने के लिए प्रॉब्लम ना आए। अमेजॉन का बिल बाकी लोगों से 2-3 गुना ज्यादा आता है, क्योंकि वो एरर फ्री है, पायनियर है, उसके साथ सिक्योरिटी भी किसी में नहीं है। सर और भी बहुत सारे रैकनेट है, गो डैडी है, आपने कभी गो डैडी सुना होगा? तो बहुत है करने वाले, पर अमेजॉन का नाम है इसलिए अपन अमेजॉन यूज करते हैं। समझ आ रहा है? कुछ चीजें क्लियर है? एवरीबडी अंडरस्टूड? अब इन क्लाउड के ऊपर 2 लाइन लिख दे, चलो लिखना चालू करें। सर आपने इतना सारा क्लाउड के ऊपर बोला क्यों आज? मेरे को आपको दिखाना है कि क्लाउड कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है। लिखिए हेडिंग दो, चैप्टर 4। सर मतलब हमको अभी एक नोटबुक बनाना है? बिल्कुल। और ऐसे वाहियात कुछ भी मत लिखना, हर एक नोटबुक बनेगी अलग सब्जेक्ट के लिए। पहली बात, आज फर्स्ट डे है, किसी ने स्टिकी नोट्स लाई है? जरा स्टिकी नोट्स बताओ, अलग अलग टाइप की वैरायटी के, 2-3 वैरायटी बताओ, छोटी मीडियम लार्ज, और बताइए ऐसा पेन दो जो वो पेन है, मार्कर पेन दो मुझे, इससे बड़ी वाली चिट्ठी तो नहीं, और एक इससे बड़ा साइज होता देखो बाजार में, लेना बेटा इधर। सर ये सब क्या दिखा रहे हो आप? मैं दिखाऊंगा बेटा, लेना इधर, वो मार्कर पेन भी देना जो आपके पास है, ठीक है? आप मेरी क्लास में आओगे तो आपके इसमें क्या होना चाहिए, ये सबसे लार्ज वाला साइज, ये मीडियम साइज और ये स्मॉल साइज, ये 3 चीजें आपके पास में होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो मेरे बुक के किताबे के जो पेज है वो ग्लॉसी पेजेस है, यानी कि आप अगर उसके ऊपर लगाओगे तो ये ऐसे करके आप उसके ऊपर चिपका दो। देयर आर 2 वेज ऑफ मेकिंग नोट्स, एक तो बुक के ऊपर उसी जगह पे उसके नोट डाल दो चिट्ठी लगा के। बुक लाई है? किसी के पास में बुक है? बुक नहीं ना आपके पास में? एक के पास भी नहीं है?
बुक के ऊपर आज एक क्लाउड वाला कॉन्सेप्ट जब हम लोग पढ़ेंगे, देखो ये प्राइवेट क्लाउड वगैरह सब क्लाउड आया, देखो देखो ये क्लाउड के सारे कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अब मुझे क्लाउड के ऊपर कुछ, देखो क्लाउड कंप्यूटिंग दिख रहा है यहाँ पे, अब दिख रहा है क्या मुझे कुछ भी अभी क्लाउड के ऊपर लिखवाना है। अब दो ऑप्शन आपके पास में, एक तो आप नोटबुक पे लिखेंगे, ऑप्शन नंबर टू है इन चिट्ठियों पे लेके चिट्ठी यहाँ पे चिपका दोगे, कौन सा बेटर है आपके लिए? क्योंकि चिट्ठी की चीज वहां के वहां मिल जाएगी, तो अगली बार जब किताब खोलो तो उसकी संबंधी जानकारी उसी पिच पे मिलेगी। पर कभी कभी कुछ ऐसी चीज होती है वो इतनी बड़ी होती है कि हमारे पास नोटबुक होना जरूरी होता है, इसलिए हम नोटबुक अभी टू बी ऑन सेफर साइड साथ में रखते हैं। और एक बात, ये सब लाने के साथ साथ में आपके पास में इस टाइप के मार्कर पेन होते हैं। ये मार्कर पेन ही है पक्का? क्या ये स्केच पेन है? वाटर मार्कर पेन है ना, यही मार्कर पेन ही है ना, ठीक है। मार्कर पेन जब ग्लॉसी पेज पे आप लिखते हो ना, तो अगर आपने बॉल पेन से लिखा तो स्प्रेड होता है, तो पेपर बंद करोगे ना उस पूरा स्प्रेड होगा, अगली बार तो पहचान में भी नहीं आएगा। तो आप क्या करेंगे, इस टाइप की ये सामग्री आपके साथ में रोज होना चाहिए। जितना हम अच्छे से अभी लिखेंगे उसका फायदा मेरी क्लासेस होने के बाद आपको होगा। एकदम इज्जत से लिखना, मैं उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज टॉलरेट नहीं करता, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ। ये सब चीज़ों में गंदगी मत करना, मैंने किताबें अच्छी दी उसको शुद्धता से मेंटेन करना, स्वच्छ भारत रखना, ठीक है ना। एकदम अच्छे से जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे लिखना, ये अच्छे से दो तीन कलर लेके आना बस, तब बुक को अच्छे से बनाएंगे प्रेजेंटेबल, ऐसा समझा डेकोरेशन चल रहा है, ठीक है। एकदम सुंदरता से, थोड़ा लड़कीपन लेके आओ बॉडी में, एकदम सजाना है। और हम 8-15 दिन बाद देखेंगे कौन कितने कंपटीशन रखेंगे, किसकी बुक कितनी सुंदर दिखती है, ठीक है ना। बुक सुंदरता कंपटीशन, एकदम अच्छे से इसके 3-4 अलग कलर आते बाजार में, वो लेकर आओ। आपको और सजाना है तो इसमें और कलरफुल मिलते हैं। तो जस्ट क्या होता है ना, जब आप चीज़ें अच्छी बनाकर रखते हो ना, बाद में पढ़ने का मन भी करता है। आपने अलग कलर से हाईलाइट करके रखा है, कुछ लिखा है, नोट्स लिख के रखी है, छोटी छोटी चीज़ें आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपने यहाँ पे लिख दिया, तो वो सारी चीज़ हम लोग एकदम सजावट करेंगे। इसका फायदा आपको लग रहा नहीं, क्या बचपना नहीं है ये? उनसे पूछो जिन्होंने अच्छी किताबें मेंटेन करी, एग्जामिनेशन के पहले दिन कितना काम में आता है वो, उसका फायदा होता है, डोंट वरी अबाउट, बहुत फायदा होगा इसका, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपके साथ में चाहिए। हाईलाइटर अगर एक दो रहने दो साथ में जब भी यूज़ करना है, वैसे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है मैंने खुद ही हाईलाइट करके आपको दिए। जो ब्लू वर्ड दिख रहे हैं, ये ब्लू दिख रहा है क्या? ये हाईलाइट मैंने ही प्री हाईलाइट करके दिया आपको, ठीक है, ओके। अभी मुझे आपको कुछ लिखवाना है, अब आपके इसमें किताब है नहीं, आज नोटबुक पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना, लिखो। बाकी कल से तो फिर आप स्टिकी नोट्स पर सब लिख आना। क्लाउड, अब बताओ क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाउड। सबसे पहले एग्जाम्पल, क्या है क्लाउड के एग्जाम्पल्स? क्या क्या दिखा हमने क्लाउड के एग्जाम्पल्स? गूगल, क्या ना इसे गूगल, अरे बोलो यार गूगल, और बोलो सर, गूगल, AWS लिख दे, नेक्स्ट गूगल ड्राइव लिख दे, गूगल ड्राइव, गूगल तो गूगल सर्च इंजन हो गया, सनी देओल को लाया, गूगल ड्राइव अलग चीज हुई ना, गूगल ड्राइव का कंप्यूटर मालूम है ड्रॉप बॉक्स, जाने दो कोई बात नहीं। नेक्स्ट नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स अमेजॉन प्राइम सब एक क्लाउड यूज करते हैं। कभी आपने वो सुना है क्या Gaana.com? लिखो ना Gaana.com। और वो क्या दूसरा सा कंप्यूटर कौन है आजकल? Spotify। क्या है Gaana.com चालू किया मैंने, कहाँ से आए? लिखो Gaana.com, लिखो Spotify, लिख दिया, ओके दोस्तों, अरे बंद हो जा भाई, अरे बंद हो जा मैडम, रुक रही नहीं थी। आप लिखो All the website in this world, example में लिखो all the websites, सारी की सारी वेबसाइट, लेट इट बी नाइका कोई भी, बगैर क्लाउड के तो चलेगी नहीं। ये सारे एग्जाम्पल क्लाउड क्या हो गए, राइट? अब क्लाउड के बारे में लिखते हैं, क्लाउड क्या होता है, लिखो एग्जाम्पल्स खत्म हो गए, लिखो क्लाउड क्या होता है। क्लाउड आपने देखा ना सर्वर होते हैं,
इट इज द लोकेशन, इट इज द स्टोरेज एरिया. देखो क्लाउड इज द स्टोरेज एरिया. क्लाउड इज द व्हाट, कम ऑन, क्या है क्लाउड? क्लाउड इज द स्टोरेज एरिया वेयर डेटा कॉमा एप्लीकेशंस आर स्टोर्ड. वहां पे एप्लीकेशन और डेटा को स्टोर किया जाता है, बराबर है. मैंने एसपीसी के लेक्चर स्टोर किया था, अपन क्या बोले, डेटा रखा है, बराबर है. नेटफ्लिक्स ने क्या रखा, अपना सॉफ्टवेयर रख दिया. तो किसको दिखेगा सॉफ्टवेयर, एक को या सबको? सबको दिखेगा ना. तो आप सॉफ्टवेयर भी रहते हैं और डेटा भी रहते हैं, विच इज एक्सेसिबल फ्रॉम, लिखो, बोलो किसको, कहां से दिखेगा? यूट्यूब का डेटा, गूगल का डेटा कहां से दिखता है? एक कंट्री को या सबको दिखता है? अरे सनी देओल अपने को दिखता है कि यूएसए में भी दिखता है? अरे किसको भी दिखता हुआ ना. देखो विच इज एक्सेसिबल फ्रॉम व्हाट, एनीवेयर एनी टाइम इन द वर्ल्ड. सर ये डेटा रात में दिखता है? अरे रात में क्या, दिन में क्या, कभी भी दिखता है ना डेटा को, क्या दिखेगा क्या कभी भी? विच इज एक्सेसिबल फ्रॉम व्हाट, एनीवेयर एनी टाइम इन द वर्ल्ड, बराबर है. नेक्स्ट एक बात मैं पूछूं आपको, एसपीसी के पास में 160 ब्रांचेस है और सबको मुझे सॉफ्टवेयर देना था, तो मैंने मेरे डेवलपर को पूछा 160 सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा? बोले सर कमाल करते हैं, आप तो क्लाउड पढ़ाते हो, व्हाई यू हैव टू बाय 160? विल बाय वन, विल कीप इट ऑन कहां पे? अरे बोलो ना, विल कीप इट ऑन क्लाउड, इट बिकम्स एक्सेसिबल टू एवरीवन. आई होप इट इज अंडरस्टैंड. तो कितने लगाना पड़ेंगे सॉफ्टवेयर, तो कॉस्ट सेविंग हुआ क्या नहीं हुआ? ये तो करते हैं सारे लोग. दुनिया में कितने इंस्टाग्राम है, तो कुछ अपडेट लाना तो कहां पे लाएगा? अभी अपन आजकल वो कौन सा बंद हुआ था, उसके बाद में रील्स आया और रील्स अपने घर पे आके सबके लोगों पे इंस्टॉल तो नहीं किया, भैया तुम रील्स डलवा दो. उन्होंने इंस्टा को क्लाउड पे रखा, वहां पे रील घुसेड़ दिया अपने मोबाइल में, अपने आप रील आ गया. यानी कि व्हेनेवर दे वांट टू ऐड न्यू फीचर्स इन द सॉफ्टवेयर, इट इज वेरी इजी जॉब फॉर देम, बिकॉज दे हैव टू ऐड द डेटा कंपोनेंट ओनली इन व्हाट, क्लाउड इटसेल्फ. तो क्लाउड में ऐड करे तो दुनिया को वैसे भी दिखेगा. लिखो, अब लिखेंगे, इट इज स्केलेबल इन नेचर. सर स्केलेबल का मतलब क्या हुआ? अरे बताओ भाई, कल अगर मेरे 1000 स्टूडेंट्स है तो मैंने जगह 100 GB के लिए अमेजोन से, कल से के 3000 स्टूडेंट हुए तो मैं बोलूंगा भाई 200 GB और बढ़ा दो, स्केलेबल समझता है? अरे मुझे कुछ नहीं करना है, मैं तो बोलूंगा ना भाई पैसा फेंक, तमाशा देख, ऐसी वाली बात है. किसको देना है मुझे पैसे? तो मैं कल्चर के मेरे 10,000 स्टूडेंट भी हो जाएंगे ना, तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ अमेजोन को किराया भरना है. तो क्या होता है, स्केलेबल समझता है? अच्छा स्केल इट अप भी कर सकते हो, स्केल इट डाउन भी कर सकते हो. कल्चर की क्लासेस कम हो तो मैं बंद भी कर सकता हूं, उसको स्केलेबिलिटी बोलते हैं. लिखो नेक्स्ट, इसको बोलते हैं, लिखो, इट इज इलास्ट, आपको एक वर्ड समझता है, उसमें इलास्टिसिटी होती है. ये पूरा सर्वर है, तो अगर मेरे को उसमें से 5 लोगों को डिवाइड करता तो इसको 20 GB देंगे, इसको 20 GB देंगे, वो कट फिजिकली टुकड़े नहीं होंगे उसके. अमेजोन के पास में मेरे से एक कस्टमर के बहुत सारे होंगे. अरे यार पूरा वर्ल्ड, आधा वर्ल्ड तो अमेजोन यूज कर रहा ना, तो उन्होंने ऐसे सर्वर के टुकड़े किए, गए लॉजिकल टुकड़े किए, भाई इतना एरिया SPC का, इतना एरिया अमेजोन का, इतना एरिया फ्लिपकार्ट का, समझ गए? लॉजिकली वो ब्रेक डाउन करते हैं उसको. गाइस कम ऑन, अब वो क्या आपने लिख रहे थे, कुछ लिखा क्या आपने? इलास्टिक इन नेचर, आप उसको जैसा चाहे वैसे, जितना चाहे उतना मोड़ कर. लिखो, इट इज बेस्ड ऑन पे पर यूज मॉडल. इट इज बेस्ड ऑन पे पर, PAY PER, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, जैसे जितना यूज करोगे उतना आपको पे करना पड़ेगा. पे पर यूज मॉडल, ज्यादा पे करने, जितना आप यूज नहीं करोगे तो क्या होगा? नहीं करेंगे पे, क्यों पे करेंगे फिर, ठीक है ना. लिखो नेक्स्ट, इट इज ऑलवेज अवेलेबल. ये अवेलेबिलिटी क्या लिख रहा हूं मैं, ऑलवेज अवेलेबल क्यों लिखा? अरे यूट्यूब गूगल का डेटा रात में दिखता क्या? नेटफ्लिक्स रात में तो चलता है लोग नेटफ्लिक्स. अरे बोलो भाई, तो क्लाउड पे रख दिया तो क्या 24 घंटे चलेगा ना, ऑलवेज अवेलेबल हो जाएगा? बोलो भाई, क्या क्लाउड नहीं है? जो डेटा इस मोबाइल पे है ना, मेरे मोबाइल पे फोटो आप नहीं देख सकते और मैं भी कहीं और से नहीं देख सकता हूं. आपको मोबाइल क्लास में रख दो, आप यहां पे घर से नहीं देख पाओगे, पर जो गूगल फोटोज रखे हैं आपने या डीजी लॉकर रखा है वो तो कैसे दिखता है ना. लिखो, डेटा विच इज स्टोर्ड ऑन पर्टिकुलर
हार्ड डिस्क को हमारा लैन सर्वर, जो मेरे ऑफिस में लैन का सर्वर है, LAN समझता है क्या? लैन, ठीक है, लैन सर्वर, LAN सर्वर, मेरे ऑफिस में एक सर्वर पड़ा, उसको लैन सर्वर बोलते हैं. इट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड, इट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड. बताओ क्लाउड का एग्जाम्पल क्यों नहीं है वो? इट इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड बिकॉज, बिकॉज बोलो क्या? इट इज नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम, नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड. मेरे ऑफिस के डेटा को अगर एक्सेस करना तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑफिस जाके ही देखना पड़ेगा उसको. पर गूगल के डेटा को देखने के लिए गूगल पे नहीं जाना पड़ता, मैं कैसे भी देख सकता हूं. लास्ट पॉइंट, क्या इंटरनेट की जरूरत है इसको एक्सेस करने के लिए? नो क्लाउड कैन बी एक्सेस्ड विदाउट इंटरनेट, नो क्लाउड कैन बी एक्सेस्ड विदाउट इंटरनेट. ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? तो आज हमने ये सब चीजें देख लिया, क्लाउड को भी समझ लिया, ठीक है ना. क्लाउड के ऊपर कितना बड़ा चीज है देखना. सिर्फ अभी मैं खत्म कर चुका, सिर्फ मैं आपको लास्ट एक मिनट के लिए दिखा रहा हूं. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 पेज का कॉन्सेप्ट है. इस इज्जत बहुत है, पर इस 17 पेजेस पढ़ना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी बिकॉज हमने आधा घंटा इसमें गलाया. अब वो क्लाउड के एडवांटेज पूछेगा, हमें मालूम है. वो क्लाउड के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा, उसको जो कुछ अब वो बताएगा, अब आपको समझने लगेगा. अच्छा, इट इज नाउ, इट हैज बिकम वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. अच्छा, ये क्लाउड है, ये एग्जाम्पल से क्लाउड इसको बोलते हैं. अब उसको क्लाउड के ऊपर 15 पेज बोलने दो या 100 पेज, हमें पता है क्लाउड कॉन्सेप्ट क्या है. सिलेबस में ऐसे होता है, एक क्या करता है, ऐसे एक कौन से पढ़ता है उसके ऊपर, उसके एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज, उसके कैरेक्टर्स, उसके मॉडल्स, ये वो सब दुनियादारी बताएगा. पर ये सारी चीजें पढ़ना व्यर्थ है जब तक उसका कॉन्सेप्ट ही हमें पता नहीं. नाउ यू नो द कॉन्सेप्ट, यू विल बी वेरी, यू नो, एट वेरी ईज टू रीड ऑल द कॉन्सेप्ट. वो कलम जब किताब से एक एक लाइन पढ़ेगा ना, आप लोग ये तो ऑलरेडी कल आपने समझा दिया था, ऐसा है. ठीक है ना, आई विल सी यू टुमारो. टुमारो पर आज शाम को तो मिलना है हमें FM में, तो आई विल सी यू इन द इवनिंग फॉर FM इको, राइट. FM में भी ऐसे हम लोग माहौल बना के पढ़ेंगे. इसके बाद का कौन सा लेक्चर है? अभी होगा ऑडिट, उसके अंदर अकाउंट्स, और 5 बजे होगा FMEco. FMEco के लेक्चर को मिस मत करना, वापस पूरा प्रैक्टिकल एकदम जोरों का माहौल बनाएंगे. जिस तरह का माहौल हमने यहाँ पे बनाया, इट विल बी ऑल टोटली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड. ओके, थैंक यू सो मच, सी यू, बाय बाय, आई विल सी यू इन द इवनिंग. अभी आप ब्रेकफास्ट करेंगे, विल हैव ब्रेकफास्ट एंड आई थिंक क्लास विल स्टार्ट एट 11 ना, 11 बजे क्लास है आपकी, राइट? ओके, 11 बजे स्टार्ट होगा आपका ऑडिट. थैंक यू.